एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हैं। रिपब्लिक भारत एग्जैक्टली बताएगा कि कब कब क्या क्या होने वाला है। अभी मैं एक पोलिंग काउंटिंग सेंटर के बाहर हूं, हालांकि सुरक्षा कारणों से हमें थोड़ी दूर रोक लिया गया है, लेकिन कुल मिलाकर 59 ऐसे काउंटिंग सेंटर है। और शिमला की बात करें तो 8 यहां पर सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर अलग अलग 1000 टेबल बनाई गई है जहां पर ये काउंटिंग होगी। और सबसे पहले जो बैलेट आते हैं, यानी जो दूर से जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो पोस्टल बैलेट भेजते हैं। लेकिन सबसे पहले जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं सुबह सुबह, भाई शिमला में अभी तक स्नोफॉल हुई कि नहीं हुई? शिमला में स्नोफॉल हुई है कि नहीं हुई है अभी तक? नहीं, अभी स्नोफॉल नहीं हुई है, लेकिन हालत लगभग वैसी है। तो बहुत लोग भाई छुट्टी में दिल्ली से जाते हैं, वही है। पर मुझे लगता है कि जब आप चुनावी गर्मी शुरू होगी, हाँ जी, अभी तक नहीं हुई है जी, जाते हैं उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पहले जो ये लगता है चुनावी गर्मी का ही असर है कि स्नोफॉल जो है वो अभी तक वहां पर देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन एक बार सृष्टि का हम रुख करते हैं कि वहां पर जो काउंटिंग सेंटर्स पर दरअसल किस तरह की व्यवस्था जो है, सुरक्षा व्यवस्था की खासतौर पर अगर बात करें तो क्या कुछ किया गया है, जरा सृष्टि एक बार तस्वीरें आप दिखाएं। अभी सुबह सुबह का वक्त है। बिल्कुल हिमानी, देखिए काउंटिंग सेंटर की कल भी तैयारियां हमने दिखाई थी, और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं सीआर पाटिल के निवास के बाहर यहां पर मौजूद हूं। हालांकि अभी आपको हलचल बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे ही ये माना जा रहा है रुझान आने शुरू होंगे, वैसे ही हलचल यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सीआर पाटिल को गुजरात में बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि जो रणनीतियां यहां पर बनाई जाती हैं वो सब इनके द्वारा ही बनाई जाती हैं। तो कुछ समय के बाद में ये माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी बहुत ज्यादा पुख्ता है अपनी नीतियों को लेकर, अपने विकास के मुद्दे को लेकर, कि उसी को लेकर जनता ने वोट किया है। और 27 सालों में अगर आप जमीनी स्तर पर जाकर काम करते हैं तो वो रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात यहां पर नजर नहीं आती है, क्योंकि जनता लगातार इसी इन्हीं मुद्दों को लेकर यहां समर्थन करती है और उन्हीं मुद्दों को लेकर वो वोट भी करती है। तो कुछ ही देर की 27 साल अपराजित बड़ी चीज है सृष्टि। हम वहां भी चलेंगे, हमारे साथ लोमस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, अगर लोमस मौजूद है रामपुर में, और गुजरात हिमाचल के बाद हो सकता है रामपुर में सबकी निगाहें हो कि अगर आजम खान अपना गढ़ भी हार जाएंगे। लोमस, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अभी भी सुबह का समय है और मैं काउंटर सेंटर के बाहर हूं, और ये वही रामपुर है जो कभी आजम खान के नाम से थर्राता था, आजम खान के नाम से डरता था। लेकिन अब विकास की लहर बताई जा रही है कि अब विकास की लहर यहां दौड़ेगी और बदलाव यहां पे जरूरी है, उसी के लिए जनता ने यहां पे फिर से वोट किया है। और आपको मैं बता दूं कि आज काउंटिंग सेंटर पे हम खड़े हैं और आज गिनती होगी और ये बताया जाएगा कि कौन रामपुर के जनता के दिल में जगह बनाता है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे काउंटर सेंटर पे यहाँ पे हलचल बढ़ चुकी है और साथ ही पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है। सुबह सुबह का समय है और यहाँ पे लगातार जो पुलिस बल है यहाँ पे मौजूद है, और बताया जा रहा है कि 8 बजे से काउंटिंग सेंटर पे जो कर्मी हैं वो गिनती शुरू कर देंगे और कुछ ही देर के बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। थोड़ा इंतज़ार करना होगा, यहाँ पे हलचल तेज़ हो चुकी है, सुबह से ही सुरक्षा बल यहाँ पे मौजूद है और लगातार जो कर्मी हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। जी सोहेल, जैसा ये बता रहे हैं रामपुर की बात, और वहीं अखिलेश यादव उनका परिवार आज सैफई में होगा ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि आज नतीजे वहां के भी आने, जहां पर वो आरोप लगा चुके हैं। अब उन्होंने जिस दिन काउंटिंग हुई उस दिन आरोप लगाया कि देखिए लोगों को काउंटिंग सेंटर तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। अब आज जब नतीजे आएंगे मैनपुरी के, तो वहां पर क्या तस्वीर होगी? अगर विवेक शुक्ला हमारे साथ है, विवेक जरा बताइए, आपने डिंपल यादव से भी बात की, आपने अखिलेश यादव से भी बात की काउंटिंग के दिन, आज माफ कीजिए जिस दिन वहां पर मतदान हुआ, आज काउंटिंग का दिन है, कहां पर है अखिलेश यादव? जी अखिलेश यादव अभी सुचरिता अपने घर पर मौजूद हैं। शिवपाल यादव जरूर जसवंत नगर में हैं, क्योंकि जसवंत नगर विधानसभा इटावा जिले में आते हैं, तो जसवंत नगर के जो उस समय जब वोटिंग हुई थी तो वो वोट गिरे जाएंगे इटावा में। बाकी बोगाओं की बात करें, किश्नू की बात करें, ये सारे काउंटिंग होगी मैनपुरी में। 14-14 जो है राउंड की पूरी काउंटिंग होगी और इसमें ना 4-4 टेबल लगाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैनपुरी जो है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ बचाने के लिए लड़ाई है।
रघुराज सिंह शाक्य, जो कि मुलायम सिंह यादव के साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई थी, उनसे राजनीति का काकाहारा सीखा था। तो आज मुलायम सिंह यादव की बहू या शिष्य किसके हाथ में होगी मैनपुरी की विरासत, मुलायम सिंह यादव की विरासत, यही देख घर भी दिखा दे सैफई का, अखिलेश का, दर्शकों को भी मैनपुरी को इंटरेस्ट करा। जी बिल्कुल, ये देखिए, ये जो है ये घर है अखिलेश यादव का, इसी घर में अखिलेश यादव अभी मौजूद हैं, डिंपल यादव भी मौजूद हैं। कल अखिलेश यादव जरूर लखनऊ गए थे लेकिन शाम को वो आ गए थे, ऐसी सूचना मिली है। और आप देखिए कि सैफई में अभी ज्यादा हलचल नहीं है, अभी इंतजार किया जाएगा, चूंकि 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत होगी, लिहाजा जैसे काउंटिंग का पहला रुझान निकलकर सामने आता है, जो बैलेट पेपर होंगे, उसके बाद जो ईवीएम खुलेंगी, तो उसके बाद जो रिस्पॉन्ड होगा, उसके बाद चीजें निकलकर सामने आएंगी, हलचल बढ़ेगी। 54% से ज्यादा वोटिंग हुई है, लिहाजा मैनपुरी में अभी सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर है कि गढ़ किसका बचने वाला है। वोटिंग कम हुई चूंकि यहाँ पर 6 उम्मीदवार मैदान में थे, कांग्रेस और बसपा ने अपना कैंडिडेट। जी सुमित, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपके पास आएंगे, सुमित जरा तस्वीरें भी दिखाइए। सुमित काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है, दर्शकों को बताएं, गुजरात में, और वहां जो हलचल नजर आ रही है, कुछ वक्त में काउंटिंग शुरू होगी। सुमित बताएंगे, सुमित क्या अधिकारियों से आपकी बात हुई है, किस तरह से प्रोसेस शुरू होगा, पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी 8 बजे से? बिल्कुल सोहेल, और तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, जरा तक दिखाइए यहाँ पर मनीष तस्वीरें, क्योंकि एक के बाद एक गाड़ियां जा रही हैं, तमाम जो ऑफिशियल्स हैं वो अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं। 8 बजे के बाद तस्वीर निकलनी क्योंकि सामने शुरू हो जाएगी, और पोस्टल बैलेट का जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं वहीं से रुझान निकलने शुरू होंगे। और हम जब से यहाँ पर पहुंचे हैं, हम सुबह से मौजूद हैं यहाँ पर, और एक के बाद एक कतार जो है वो गाड़ियों की लगी है, तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं, तमाम जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है इस अहम दिन की, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है, तमाम ऑफिशियल्स जो है वो अपनी अपनी पोजिशन ले चुके हैं। यहाँ पर सीआईएसएफ को लगाया गया है, बीएसएफ की भी टुकड़ी है, इसके अलावा गुजरात पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर लगातार मौजूद है। और इसीलिए यहाँ सिर्फ ना सिर्फ इसी काउंटिंग सेंटर की बल्कि पूरे पूरे गुजरात के अंदर जो भी तमाम काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए वहां से हमारी सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, और सबसे बड़ी कवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन पहला रुझान सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। In Jammu, where the Kashmiri Pandit community is staging protests, and this is day 209th of their protest. For the past 209 days, they have been staging protest, and what they say that apne desh mein dandit hain, hum Kashmiri Pandit hain. This is the message they want to convey to the government, that we are only being punished in the Kashmir Valley because we are the patriotic and the nationalist voices, and don't rehabilitate us in Kashmir. People of Jammu and the Bajrang Dal is staging protests there in Jammu, demanding that they want there should be an action against Farooq Abdullah. The ID that was planted by the terrorists in Shirmal, Shopian, as per ADGP Kashmir, the threat has been neutralized by the joint forces. Thiruvananthapuram, where the Youth Congress is staging a protest against the mayor after the letter controversy over the various appointments and nepotism thereof. We are in Jammu, where the Kashmiri Pandit community is staging protest, and this is day 209th of their protest. For the past 209 days, they have been staging protest. Here, Section 144 has been imposed, and the birthplace of Krishna, Hindu Mahasabha Sangathan, ready to recite the Hanuman Chalisa outside the mosque, and the police people are ready to stop. Yesterday night at around 10, there was a humming sound of a drone that was noticed by the border security force in the Taran Taran. Post that, the searches during morning searches, the drone has been recovered at around 8:30 in the morning. Now
Mr. Gokhale, what would you say? Why have you been detained? But there's also being said that the RTI that you had said was fake news. Was it true? Mr. Gokhale, was it true that you were actually peddling fake news? That's the answer. But you have also been assured that it was... Especially at a sensitive time like more. Mr. Gokhale, what do you have to say for yourself? Mr. Gokhale, what do you have to say for yourself about the tweet that you've sent out? Border between Karnataka and Maharashtra, Belgavi, Karnataka Rakshana Vedike organization is holding a protest over the dispute. SFI leader has now admitted in the hospital after being attacked by students in Wayanad in Kerala. 4 persons were arrested. Republic TV has confronted Saket Gokhale, where he has said that I am detained, but the Oreva owners are not yet arrested. We are in Jammu where the Kashmiri Pandit community is staging protest, and this is day 209th of their protest. For the past 209 days they have been staging protest, and what they say that apne desh mein dandit hain, hum Kashmiri Pandit hain. This is the message they want to convey to the government, that we are only being punished in the Kashmir Valley because we are the patriotic and the nationalist voices, and don't rehabilitate us in Kashmir. Angered the people of Jammu, and the Bajrang Dal is staging protests there in Jammu, demanding that they want there should be an action against Farooq Abdullah. The IED that was planted by the terrorists in Shirmal, Shopian, as per ADGP Kashmir, the threat has been neutralized by the joint forces. Thiruvananthapuram, where the Youth Congress is staging a protest against the mayor after the letter controversy over the various appointments and nepotism thereof. We are in Jammu where the Kashmiri Pandit community is staging protest, and this is day 209th of their protest. For the past 209 days they have been staging protest. Here, Section 144 has been imposed, and the birthplace of Krishna, Hindu Mahasabha Sanghathan, ready to recite the Hanuman Chalisa outside the mosque, and the police people are ready to stop. Yesterday night at around 10, there was a humming sound of a drone that was noticed by the border security force in the Taran Taran. Post that, you know, the searches during morning searches, the drone has been recovered at around 8:30 in the morning. The stage is set. All eyes now on Gujarat and Himachal Pradesh results. Exit polls predict thumping victory for BJP in Gujarat. Will BJP break its own record? AAP manages MCD polls win, but will AAP be able to make a dent in Gujarat? It's a fight for the national number 2 as AAP and Congress go neck to neck. And from Gandhinagar to Shimla, India's number 1 news team is live on Super Thursday coverage. The wait is finally over. Arnab and team live for the big verdict in Gujarat and Himachal. Angered the people of Jammu, and the Bajrang Dal is staging protests there in Jammu, demanding that they want there should be an action against Farooq Abdullah. The IED that was planted by the terrorists in Shirmal, Shopian, as per ADGP Kashmir, the threat has been neutralized by the joint forces. Thiruvananthapuram, where the Youth Congress is staging a protest against the mayor after the letter controversy over the various appointments and nepotism thereof. We
are in Jammu where the Kashmiri Pandit community is staging protest, and this is the day 209th of their protest. For the past 209 days they have been staging protest. Here section 144 has been imposed, and the birthplace of Krishna, Hindu Mahasabha Sangathan ready to recite the Hanuman Chalisa outside the mosque, and the police people are ready to stop. Yesterday night at around 10, there was a humming sound of a drone that was noticed by the border security force in the Tarn Taran. Post that, the searches during morning searches, the drone has been recovered at around 8:30 in the morning. Mr. Gokhale, what would you say? Why have you been detained? Did you actually post fake news? But there's also being said that the RTI that you had said was fake news. Was it true? Mr. Gokhale, was it true that you were actually peddling fake news? That's the answer. But you have also been shown that especially at a sensitive time like more. Mr. Gokhale, what do you have to say for yourself? Mr. Gokhale, what do you have to say for yourself about the tweet that you sent out? Border between Karnataka and Maharashtra, Belgavi, Karnataka Rakshana Vedike organization is holding a protest over the dispute. SFI leader has now admitted in the hospital after being attacked by students in Wayanad in Kerala. 4 persons were arrested. Republic TV has confronted Saket Gokhale, where he has said that I am detained, but the Oreva owners are not yet arrested. We are in Jammu where the Kashmiri Pandit community is staging protest, and this is the day 209th of their protest. For the past 209 days they have been staging protest, and what they say that apne desh mein dandit hain, hum Kashmiri Pandit hain. This is the message they want to convey to the government, that we are only being punished in the Kashmir Valley because we are the patriotic and the nationalist voices, and don't rehabilitate us in Kashmir. અને ખેડગેજીને હું ઓળખું છું, એમનો ખૂબ આદર કરું છું, એમનું સન્માન કરું છું, પણ ખેડગેજીને તો એ જ બોલવું પડે જે એમને ત્યાંથી ભણાવીને મોકલ્યા હોય. અને કોંગ્રેસ પાર્ટી આપ કિસી કો મત દેખો, મોદી કો દેખ કર વોટ દો. ભાઈ તુમ્હારે કો તુમ્હારી સુરત કિતની બાર દેખના, એમપી ઇલેક્શન મેં ભી તુમ્હારી સુરત દેખના, હર જગહ कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा सौ मुख है, क्या है? एक बात चलती है, एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, दो बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे. कितने बार झूठ बोलेंगे, झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है. परंतु भारतीय जनता पार्टी अपना मत प्रतिशत भी बढ़ा रही है, सीटें भी बढ़ा रही है, और कोई कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता वोट न दे. मैं स्पेकुलेशन के आधार पर बार फिर स्वागत है आपका. और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में जैसे नंबर्स आएंगे, लेकिन एक बात गुजरात को लेके ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो केस स्टडी बनेगी वो ये कि 27 साल बाद भी, आफ्टर 27 ईयर्स, एक पार्टी को हराना मुश्किल ही नहीं हो रहा है, वो पार्टी और वो नेता. Absolutely. पार्टी बीजेपी सुचरिता सोहेल और हिमानी, और नेता नरेंद्र मोदी एंटी इनकम्बेंसी का नाम नहीं है. देखिए बीजेपी के जीतने पे सवाल नहीं है, सवाल सिर्फ है कितना मार्जिन. ऐश्वर्य वो एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील हो रही है, क्योंकि जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि एक और बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन के साथ जीत. केस स्टडी है भाई कि हर बार होता है 5 साल 10 साल, दिल्ली में हमने एमसीडी में देखा 15 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी आ गई. या ऐसा क्या काम किया है कि 27 साल बाद. अच्छा, और बीजेपी की सीटें गिरी है पिछले चुनावों में, लेकिन इस बार अपवर्ड स्विंग हो रहा है. 2002 में 127, उसके बाद 119, उसके बाद 112, उसके बाद 99, और इस बार ये कहा जा रहा है अगर हम पीमाक रिपब्लिक सर्वे की बात करें तो एवरेज मीडियन है 138, जो अपने आप में सोए करियर बेस्ट है बीजेपी के लिए भी
और नरेंद्र मोदी के लिए भी गुजरात के आउटर मार्जिन 148 है, तो अब आप सोच लीजिए अगर वहां तक भी जा सकती है तो ये अपने आप में एक तरह का रिकॉर्ड होगा हिस्ट्री इन द मेकिंग। 127 सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की आई 2002 में, अगर अब 138 आती है तो आज तक बीजेपी की गुजरात में इतनी सीट नहीं आई, एक बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, 7 बार लगातार लेफ्ट के अलावा कोई आज तक चुनाव नहीं जीता है वेस्ट बंगाल में, वो रिकॉर्ड भी बीजेपी ब्रेक करने वाली। तो इमानी कई रिकॉर्ड भी ध्वस्त होंगे अगर एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजे आते हैं, तो गुजरात पर भी नजर रहने वाली और हिमाचल पर भी नजर रहने वाली। आपने बिल्कुल ठीक कहा सुहेल, क्योंकि देखिए एग्जिट पोल जो है वो तो यही बता रहे हैं कि एक नई धमक के साथ जो है वो 7वीं बार जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरह से आपने कहा कि वाम मोर्चे की आपने यहां पर बात की, तो बिल्कुल अगर ये जीत दर्ज करती है तो उसी के रिकॉर्ड की बराबरी करती हुई यहां पर नजर आएगी। और यहां पर ये भी देखा जाए, क्योंकि देखिए कांग्रेस की जहां तक बात है वो तो 27 साल का अपना वनवास खत्म नहीं कर पा रही है, जो एग्जिट पोल के नतीजे जो थे वो सामने आए थे। अब एग्जिट पोल क्या कहते हैं, वहां वनवास खत्म नहीं कर पा रही, और हिमाचल में क्या जैसा कि परिपाटी रही है 1985 के बाद वापस आ पा रही है या नहीं, उसको लेकर भी अभी सवाल है, क्योंकि एग्जिट पोल्स ये क्लियर कट मार्जिन नहीं दिखा रहे हैं कांग्रेस के लिए हिमाचल में। तो अभी हिमाचल का भी खाता खुला नहीं है कांग्रेस का, और उसको इंतजार करना है। अभी तनाव कांग्रेस खेमे में ज्यादा है बनिस्बत बीजेपी के। मैं इससे आपसे थोड़ा सा मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस में नहीं बीजेपी में ज्यादा है। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस ऐसी 8 सीटें, और अभी हम बात करेंगे उसकी, 8 सीटें हैं जिसकी मार्जिन सुचरिता सोहेल हेमानी सिर्फ 2000 से कम हो सकता है। 2000 से कम मार्जिन से 8 सीटें, और वो 8 सीट्स आर गोइंग टू बी द डिसाइडिंग सीट्स। वो 8 सीटें हिमाचल में, जी हिमाचल प्रदेश में वो 8 सीटें डिसाइडिंग हो सकती है। वो 8 सीटें इधर जाएंगी तो कांग्रेस जीत रही है, वो 8 सीटें इधर जाएंगी तो वो बीजेपी जीत रही है। और अगर हम गुजरात की बात करें, जब हम नरेंद्र मोदी और बीजेपी की बात कर रहे थे, जब वो सवाल पूछा गया सर्वे में, आपको पता है नरेंद्र मोदी एज अ फैक्टर 34% लोग ऑल ओवर गुजरात, 34% लोगों ने कहा दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके बाद केंद्र राज्य सरकार की योजना का लाभ, वो था 18%। उसके बाद महंगाई जो कि विपक्ष बहुत ज्यादा उठाता है, 11% लोग, बेरोजगारी ने कहा 9% है, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। और आप ऐश्वर्य, आप ये सर्वे की बात बता रहे हैं, हम तो ग्राउंड पर जब गए तो हमने लोगों से पूछा कि आप वोट देने क्यों आए, तो लोगों ने कहा मोदी को हराना नहीं है। अब ये सोचिए कि ये बताता है कि एक सिंगल मोस्ट बड़ा फैक्टर जो इस चुनावों में रहा, जो कि जिसके चलते लोग चुनाव में आकर वोट कर रहे थे सुहेल, वो नरेंद्र मोदी को जिताना था कि नरेंद्र मोदी गुजरात हार ना जाए। यानी एक फैक्टर जो चुनाव में चला, एक लौता फैक्टर, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी महंगाई पर बात हो, बेरोजगारी पर बात हो, विपक्ष किसी पर बात कर रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्टर की काट विपक्ष के पास भी हिमानी चुनाव के दौरान नहीं थी। मैं हिमानी को रोक रहा हूँ क्योंकि इस समय एक ब्रेकिंग आ रही है, क्योंकि हम लोग मतलब हिमाचल की बात कर रहे थे सुचरिता, आपने कहा हिमाचल में, आपने कहा था ना कि कांग्रेस के अंदर है हलचल, और कांग्रेस के अंदर हलचल क्या, अभी कांग्रेस ने डिप्लॉय कर दिया है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और द ग्रेट राजीव शुक्ला को टू ब्रिंग कांग्रेस एमएलएज एट अ सेफ जोन एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पोचिंग। तो क्या किया इन 3 बड़े नेताओं को, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट मुख्यमंत्री और राजीव शुक्ला को, इन तीनों को इनको लगा दिया है, सारे विधायकों को एक साथ सबको इकट्ठे रखो, इधर उधर ना हो जाए। मैंने वही कहा कि कांग्रेस के लिए इस वक्त तनाव ऐसा है क्योंकि वो जानते हैं कि जो 2 राज्य उनके पास है उसमें भी चुनाव है 2023 में। अब वो अगर हाथ से निकल जाए वो दोनों राज्य, और उसके बाद अब अगर एक हिमाचल आता हुआ दिख रहा है उसमें पूरी फाइट लगानी है कम से कम नतीजों से पहले। एग्जिट पोल आने के बाद ही कांग्रेस ने तैयारी कर ली होगी कि भूपेंद्र हुड्डा, भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला को जो है अपने एमएलएस को बचाने के लिए भेजना है। बिल्कुल, हिमाचल का जो एग्जिट पोल है वो कांटे की फाइट दिखा रहा है हिमानी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। आप पहाड़ से आती हैं, आप और बेहतर बताएंगी कि जो एग्जिट पोल है अगर ऐसे ही नतीजे होते हैं तो शायद कांग्रेस ने जो तैयारी कर ली है वो पहले से तैयारी कर ली, क्योंकि पहले वो कई जगह हाथ जला चुके अपने। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इसके लिए तो मेरे को लगता है कि ग्राउंड पे चूंकि सुजाता है तो उनका हमें रुख करना पड़ेगा, क्योंकि सुजाता हमेशा हमने देखा है कि एक एक बार मौका देती है, 5 साल अगर बीजेपी को मौका दिया तो 5 साल कांग्रेस को मौका दिया, और शायद इसी नियत के साथ वहां पर पहुंच रही है कांग्रेस। ये अलग बात है कि ना तो नियत नजर आती है कांग्रेस में, क्योंकि उस तरह से लड़ती हुई वो नजर नहीं आती है, और ना ही कोई नेता नजर आता है कांग्रेस के भीतर। ठीक है, सुजाता तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है मानी, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि हिमाचल की फाइट इस वक्त आज बहुत दिलचस्प होगी। सुजाता मुझे लगता है हाथ हिला रही है, उन तक आवाज जा रही है। सुजाता सुन पा रही हैं आप?
सबसे जो इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है, जहां पर है वहीं है आप, क्योंकि वहां पर फाइट इज ऑन। जब तक नतीजे पूरी तरह नहीं आते, फाइट इज ऑन। सुजाता आ रही है आपको आवाज? नहीं आ रही है, ज्यादा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है सुचरिता। लेकिन एक यही एक स्टेट ऐसा है जहां पर कांग्रेस थोड़ा सा ये कहती हुई नजर आ रही है कि हाँ, यहां पर हम टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, हाँ यहां पर हम फाइट देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो भी शायद इस भरोसे सुचरिता, क्योंकि वहां पर रिवाज बदलता रहता है। हर 5 साल में एक जो सरकार है वो दिखती है, फिर 5 साल में दूसरी सरकार, मतलब दूसरी सरकार को मौका दिया जाता है। तो शायद उत्तराखंड में बीजेपी ने इसको बदल दिया था, इसीलिए इतनी ज्यादा इस बार ऑप्टिमिस्टिक कि कांग्रेस को नहीं आने देंगे। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास लोकल लीडर कोई बहुत बड़ा नहीं है। सेंट्रल और राहुल गांधी को जाने नहीं दिया, तो बीजेपी के लिए अगर सबसे बड़ा नेगेटिव कुछ हुआ है वो ये कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को नहीं भेजा, क्योंकि ऐसा लगने लगा है राहुल गांधी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कांग्रेस इज राइज। जहां वो जाते वहां पे कांग्रेस का कुछ होता नहीं। गुजरात में चले गए, देख लिए क्या हो रहा है। हिमाचल में वो गए नहीं, ऐश्वर्या जाने नहीं दिया या खुद नहीं गए। सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि हमेशा कहा जाने लगा है कि कांग्रेस की हार की जो सारी, भाई साहब आप अपनी भारत जोड़ो करो, हमको यहाँ जीतने दो। और हार की हार, जिन जिन राज्यों में हार हो रही है फिर उसकी तोहमत राहुल गांधी के सर मढ़ी जा रही है। लेकिन अगर अगर कोई जीत होती है तो क्रेडिट क्या राहुल गांधी को देंगे, ये भी देखना होगा कि कांग्रेस करती क्या है। लेकिन हिमाचल में राहुल बेशक न गए हो, लेकिन प्रियंका वाड्रा ने कई रैलियां की हैं। उन्होंने वहां राजीव गांधी का भी जिक्र किया, इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया है वहां पर। तो क्या प्रियंका के जाने से कोई फर्क पड़ेगा? पहली चीज, प्रियंका का अपना घर भी है वहां पर, उसकी भी उन्होंने बात कही है। लंदन में भी कहा जाता है उनके घर का क्या कहें। लेकिन सोहेल, दिक्कत यह है कि कनेक्ट करना पड़ेगा ना। हिमाचल में जब आप जाएं तो वहां पे पहाड़ों पे इश्यूज है भाई, पानी आ रहा है नहीं आ रहा, रिमोट विलेजेस है, छोटी छोटी सड़कें बनी है नहीं बनी है, राशन की दुकानों पे टाइम पे सामान आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो कि दिल्ली में कई बार एमसीडी का इशू हो सकता है, लेकिन वहां पे वो सारे इशू हैं। बिजली का तार स्नोफॉल के बाद, बारिश के बाद खराब हो गया, आपने उसको रिपेयर किया या नहीं किया, उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। और वो कनेक्ट लोकल लीडरशिप, लोकल काडर करेगी। प्रियंका गांधी वाड्रा का स्टार वैल्यू कांग्रेस के लिए हो सकता है, हिमाचल की जनता के लिए कितना है नहीं है वो तो वो बताएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस टक्कर इसलिए दे रही है, उसने कोई स्टार वैल्यू पर वेट नहीं की, उसने वहां का जो उनका जो लोकल काडर है, स्ट्रॉन्ग काडर है कांग्रेस का हिमाचल में, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने काडर बनाया था, उनकी धर्मपत्नी को इस बार मौका दिया है, वही चेहरा है मोर और लेस वहां पे। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए इट विल आल्सो बी अ केस स्टडी कि भाई उनको जरूरत नहीं है ये दिल्ली से लाए गए पैराशूटेड नेता की, वो अपने आप लोकल स्टेट काडर के साथ बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, अगर जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं इट गोज डाउन टू द वाया इन हिमाचल प्रदेश। और यहाँ गुजरात की अगर बात कर रहे हैं सलोनी, अगर आपके पास आए गुजरात में जो तमाम एग्जिट पोल्स हैं, हमारा पी मार्क का एग्जिट पोल 128 से 148 बता रहा है, सारे एग्जिट पोल्स एक बात कर रहे हैं गुजरात में बीजेपी रिटर्न्स, यही कहा जा रहा है। अब वहां पर इसको लेकर एक उत्सुकता बीजेपी के खेमे में है, वहां पर यह भी पूछा जा रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी को इनरोड्स बना पा रही है गुजरात में। अभी इस वक्त वहां पर नतीजों का इंतजार है, लेकिन सलोनी जरा बताइए क्या तैयारी बीजेपी दफ्तर में? बिल्कुल, बीजेपी दफ्तर पूरी तरह से तैयार है सुचरिता। हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया जिसपे लिखा गया हमारा परिश्रम, गुजराती में लिखा है आपका भरोसा, यानी बीजेपी ये कह रही है, प्रधानमंत्री का एक कैरिकेचर यहाँ लगाया गया कि जो भी कार्यकर्ता पहुंचे वो चाहे तो इसके साथ एक फोटो खिंचा सकते जो इन पर्सनल नहीं मिल पाते। तो क्रेज कुछ इस तरह का रहता है प्रधानमंत्री को लेकर गुजरात में। जब पीएम पहुंचते हैं, आपने वो रोड शो भी देखा होगा, वो जो तस्वीरें आती हैं, क्रेज रहा है पीएम मोदी का और उसी क्रेज को भुना रही है बीजेपी। 27 साल एक लंबा वक्त होता है, आप सोचिए एक लंबे वक्त तक एक ही सरकार। लोग कहते हैं कि एंटी इनकंबेंसी 5 साल में, हिमाचल का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 5 साल में एंटी इनकंबेंसी हो जाती है, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। यहां प्रो इनकंबेंसी फैक्टर है, यहां जो चीजें हैं उस पर मुहर लगाई जा रही है। आप अगर सड़कों पर लोगों को देखेंगे तो प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हमने देखा। रोक रहे हैं, एक मिनट, बड़ी खबर जरा बता दें, गुजरात पे आपकी नजर बनी हुई है लेकिन हिमाचल से बड़ी खबर आ रही है कि हिमाचल में कांग्रेस खेमे में हलचल है। और कांग्रेस खेमे में हलचल क्या है जिसके बाद हम ऐश्वर्य थोड़ी देर पहले कर रहे थे, जो बड़े नेता हैं उन्हें हिमाचल भेजा गया है, उन्हें शिमला भेजा गया है, वहां पर विधायकों पर नजर रखने के लिए। जैसे नतीजे आएंगे उनमें कौन कौन है? उनमें भूपेंद्र हुडा, भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला, ये 3 नेता हैं जिन्हें ड्यूटी दी गई है कि हिमाचल प्रदेश में नतीजे आने के बाद
नतीजे आने के बाद वो नजर रखें, सेफ जोन में लेकर जाएं सुरक्षित जगह पर एमएलए को। किस तरह से कांग्रेस फॉर मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम दे आर फीलिंग पॉजिटिव, उनको लग रहा है कि भाई यहां पे बाजी आ सकती है, यहां पे हम इस बार टॉपल कर सकते हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर बार ये होता है, गोवा में मुझे आज तक याद है कांग्रेस सोचती रह गई थी, बीजेपी ने सरकार बना ली थी और उसके बाद कर्नाटक में ऑपोजिट हो गया। हाँ, इतना फास्ट हो गया कि उन्होंने जाकर जो है अब पर तब स्वर्गीय अहमद पटेल थे, स्ट्रेटेजिस्ट थे, अहमद भाई वो स्टिल देयर। अभी इनके पास गुजरात में भी आप देखें, अहमद पटेल के बाद इनके पास कोई चेहरा नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी बनाने वाला नहीं हिमाचल प्रदेश में। इसलिए आप देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि खुद बहुत परेशान है, उनकी एक बहुत करीबी आईएएस ऑफिसर को मतलब एजेंसीज ने मतलब उठा लिया है, कहा जा रहा है कि वो तार बिल्कुल सीएमओ तक जाते हैं। तो उसके बावजूद भूपेश बघेल सब छोड़ के, वो सारा मैनेजमेंट सारी चीजें छोड़ के वो मतलब हिमाचल प्रदेश में जा रहे हैं, क्योंकि उतना जरूरी है कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश भी। एक बार का समय ये यूपीए 2 में हिमाचल प्रदेश में जब सरकार बनी थी तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को सोचा रहता ऑन रिकॉर्ड 20 दिन दिल्ली में वेट करना पड़ा था सोनिया गांधी से मिलने के लिए। वो इंपॉर्टेंस थी या मतलब अनइंपॉर्टेंट था हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद सोनिया के लिए। और आज की तारीख में यह है कि तीन तीन लोग लगाए। लेकिन आज ऐश्वर्या यहां तो नतीजे आने से पहले ही सीएम पद को लेकर क्योंकि हर कोई अपने अपने को दावेदार बता रहा है, तो एक ये भी स्थिति देखी जा रही है सुचरिता वहां पर। जैसा आपने कहा कि हिमाचल में इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण भी है और जैसा ऐश्वर्य ने कहा कि एक उम्मीद कांग्रेस खेमे में है कि यहां सरकार बन सकती है, और अगर यहां सरकार बन सकती है तो वो एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते कांग्रेस खेमे में कि कम से कम यहां अगर नंबर्स आते हैं और वो नंबर्स उनके पास विनिंग फिगर तक पहुंचते हैं तो वो कैसे। एक और बड़ी खबर आ रही, दर्शकों को बताएं कि सीनियर बीजेपी लीडर विनोद तावड़े भी शिमला पहुंच गए हैं सिचुएशन मॉनिटर करने के लिए। यानी कांग्रेस ने अपने तीन नेताओं को भेजने की तैयारी की है, तो बीजेपी ने भी विनोद तावड़े को प्रदेश के भेजा है और मॉनिटर सिचुएशन मॉनिटर करने के लिए हिमाचल प्रदेश के प्रभारी। ऐसा लग रहा है कि गुजरात जो कि एक बड़ा राज्य है, बड़े राज्य पर नजरें लगातार बनी हुई है, वहां से बड़ी विक्ट्री होगी, लेकिन जो इंटरेस्टिंग फाइट है वो हिमाचल में और सारा फोकस हिमाचल पर इस वक्त नजर आ रहा है। बिल्कुल, बिकॉज इट्स गोइंग डाउन टू द वायर इन हिमाचल, एग्जिट पोल्स यही कह रहे थे। और अगर अब हमारी आवाज सुजाता तक पहुंच रही है तो सीधा चलते हैं शिमला, शिमला से लाइव सुजाता आवाज आ रही है आपको, वी आर होपिंग। जी सुजाता, ओवर टू यू। बीजेपी कांग्रेस सबके नेता हिमाचल पहुंच रहे, स्नोफॉल होने लिए फिर भी पहुंच रहे, सुजाता। जी बिल्कुल, क्योंकि चुनावी गर्मी बहुत बढ़ गई है और सही आपने कहा है कि बड़ा राज्य गुजरात है, लेकिन सारी जो दिलचस्पी है वो यहाँ है क्योंकि यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेशंस है और यहाँ सबसे बड़ी एक्सरसाइज लगेगी, दिमागी एक्सरसाइज लगानी पड़ेगी, दोनों ही पार्टियों को पूरा जोर लगाना पड़ेगा। और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी होप हो सकती है, बहुत बड़ी उम्मीद हो सकती है, इसलिए कांग्रेस को कोई भी मौका नहीं चूकना है, अब यही तैयारी है। और इसीलिए तीन तीन ऑब्जर्वर एक तरह से तैनात कर दिए गए हैं कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जाए और अपने विधायकों को इंटैक्ट रखा जाए। इसके अलावा आप तेवरों की बात भी देखिए, कल ही शाम को खबर आई है कि 30 ऐसे सदस्य कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के बाद निष्कासित कर दिया गया है, तो ये एक तेवर भी नजर आने लगे हैं, यानी कांग्रेस होपफुल है। सुजाता, क्या के लिए नहीं, क्या इस तरह की भी खबरें हैं रिजल्ट आने से पहले, अगले रिजल्ट आने से पहले उम्मीदवारों को टेलीफोन भी आने लगे हों एग्जिट पोल आने के बाद से ही? और बागियों को आमतौर पर ऐसा होता ही है कि मंत्री बनने के लिए भी लाइन लग जाती है, जो अधिकारी हैं वो भी अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पहले ही लॉबिंग करने लगते हैं, उनको पता होता है कि सरकार बदलने वाली है तो हम भी कोई अच्छी पोजीशन अपने लिए मांग ले, तो ये तमाम चीजें चलती रहती है। और दोनों ही खेमे में दिलचस्प बात यह है कि यहाँ इतना क्लोज है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ कहाँ जाए, तो हो सकता है कि अधिकारी भी दोनों जगह जा रहे हों अपनी अपनी सेटिंग करने के लिए और जो बाकी लोग हैं वो भी देख रहे हो सकता है बीजेपी के बहुत सारे लोग भी संपर्क में हो कि हम भी मंत्री बनने की लाइन में हैं, कांग्रेस की तरफ से भी है। कांग्रेस के लिए यहां से जो यहां सिर्फ एक राज्य से तक की जीत नहीं सीमित होगी बल्कि बहुत बड़ी संजीवनी होगी, एक के बाद एक हार झेल रही है कांग्रेस। और यहां पे हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस का कैडर बचा हुआ है, वो जो स्थानीय नेता थे जो क्षेत्रीय छत्रप थे उनकी वजह से वहां पर उसकी जो कैडर है वो बचा हुआ है। यहां वीरभद्र सिंह की एक बड़ी लेगेसी है और यहां जब जाएंगे लोगों से बात करेंगे तो लोग कहते हैं कि यहां अभी कांग्रेस का वजूद है। सिंपैथी वोट जैसी कोई चीज होगी हिमाचल में, वीरभद्र सिंह नहीं है उनके वजह से। हम सीधे चलेंगे सुमित, सुमित मौजूद है काउंटिंग सेंटर पर। सुमित, आपके पीछे काफी हलचल बढ़ गई है, जरा तस्वीरें दिखाइए।
और ठंड ज्यादा है, आग भी नजर आ रही है। तस्वीरें दिखा रहे हैं मेरे सहयोगी मनीष, आपको दिखाएंगे क्योंकि बिल्कुल ये जो आग है ये तपिश है गुजरात में। हालांकि बहुत ज्यादा ठंड इस वक्त में नहीं पड़ती है, हम भले ही क्योंकि हम ये दिल्ली आग की गर्मी तापने के लिए जलाई गई है कम ठंड के बाद, ये हमने यूपी एमपी बिहार में देखा लग रही है। लेकिन 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 जो बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे जो तमाम जवान हैं वो अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर मौजूद है। एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आज के बड़े दिन को लेकर, और क्योंकि सुबह की क्योंकि पूरी रात की ड्यूटी की है, और जाहिर है अगर खुले आसमान के नीचे इस तरीके से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं तो थोड़ा सहारा इस गर्मी का जरूर लेना पड़ता है। लेकिन गुजरात की सियासत में वो जो गर्मी आप हिमाचल का जिक्र कर रहे थे वो यहाँ नहीं है, क्योंकि लगातार जो तमाम एग्जिट पोल्स हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं, बीजेपी 27 साल से जिस तरीके से लगातार यहाँ पर सत्ता में है और बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर आ रही है। और लेकिन उसके अलावा कोशिश फिर भी वही है कि आखिर जो नतीजे सामने आए वो एक बेंचमार्क यहां पर क्रिएट करें। 127 का जो आंकड़ा एक बेंचमार्क बीजेपी के लिए रहा है वो इस बार क्या छोटा पड़ जाएगा, ये क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी इसी काउंटिंग सेंटर से, जो तस्वीरें वो निकलकर सामने आनी शुरू हो जाएगी। दरअसल वो तस्वीर जो है वो कुछ ही देर बाद निकलकर सामने आएगी। 7 बजने वाले हैं, 1 घंटे का वक्त और बाकी है जब वो पिटारा खुलेगा, और देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीर सामने निकलकर आती है गुजरात से और साथ ही साथ हिमाचल से भी। लेकिन मृदुल का एक बार हम रुक कर लेते हैं, अगर मृदुल नहीं है लगता है, सलोनी इस वक्त हमारे साथ है बीजेपी दफ्तर से, हम सलोनी का वहां पर रुक करते हैं। सलोनी, हिमाचल में तो हम देख रहे हैं कि तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं का वहां पर पहुंचना जारी है, वहां पर आप क्या देख रहे हैं, क्या कुछ नेता कार्यकर्ता तो पहले से ही वहां पर पहुंचे हुए हैं लेकिन क्या कोई नेता भी पहुंचना शुरू हुआ है वहां पर? अभी फिलहाल हिमानी कोई नेता नहीं पहुंचा, लेकिन तैयारी पूरी है। बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, शामियाना लगाया है, सेल्फी पॉइंट लगाया गया है, और कहा जा रहा है तमाम जो बड़े चेहरे यहाँ बीजेपी दफ्तर गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में कमलम में, यहाँ तमाम बड़े चेहरे, चाहे सी आर पाटिल की बात करें और भी जो बड़े चेहरे हैं, भूपेंद्र पटेल भी यहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो मैंडेट मिलने वाला है ये बार बार ये कह रहे हैं कि मैसिव मैंडेट मिलने वाला, बीजेपी नेता लगातार ये कह रहे हैं कि मैसिव कहीं ना कहीं जीत होगी, तो उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और लगातार गुजरात एक बड़ी टीम जुड़ी हुई है, आपको हर नतीजे रुझान आपको हम बताते रहेंगे। फिलहाल रुक एक बहुत छोटे से ब्रेक ले, कहीं मत जाइए, देखते रहिए रिपब्लिक भारत, सबसे तेज नतीजे सबसे सटीक नतीजों के लिए बन लौट रहे। द चैनल एंड एंकर इंडिया ट्रस्ट फॉर इलेक्शंस, फास्टेस्ट नंबर्स ऑन रिजल्ट डे लाइव विद और नॉट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट क्रेडिबल नंबर्स ऑन रिजल्ट डे। बॉर्डर बिटवीन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र बेलगावी, कर्नाटका रक्षणा वेदिके ऑर्गेनाइजेशन इज होल्डिंग अ प्रोटेस्ट ओवर द डिस्प्यूट। SFI लीडर हैज नाउ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय स्टूडेंट्स इन वायनाड इन केरला, 4 persons वर अरेस्टेड। Republic TV has confronted Saket Gokhale where he has said that I am detained but the Oreva owners are not yet arrested. We are in Jammu where the Kashmiri Pandit community is staging protest, and this is day 209th of their protest. For the past 209 days they have been staging protest, and what they say that apne desh mein dandit hain, hum Kashmiri Pandit hain. This is the message they want to convey to the government that we are only being punished in the Kashmir Valley because we are the patriotic and the nationalist voices, and don't rehabilitate us in Kashmir. People of Jammu and the Bajrang Dal is staging protests here in Jammu, demanding that they want there should be an action against Farooq Abdullah. The IED that was planted by the terrorists in Shirmal, Shopian, as per ADGP Kashmir, the threat has been neutralized by the joint forces. Thiruvananthapuram, where the Youth Congress is staging a protest against the mayor after the letter controversy over the various appointments and nepotism thereof. We are in Jammu where the Kashmiri Pandit community is staging protest, and this is day 209th of their protest. For the past 209 days they have been staging protest. Here section 144 has been imposed and the birthplace of Krishna, Hindu Mahasabha Sangathan ready to recite the Hanuman Chalisa outside the mosque, and the police people are ready to stop.
Yesterday night at around 10, there was a humming sound of a drone that was noticed by the border security force in the Taran Taran. Post that, the searches during morning searches, the drone has been recovered at around 8:30 in the morning. Mr. Gokhale, what would you say? Why have you been detained? But there's also being said that the RTI that you had said was fake news. Was it true? Mr. Gokhale, was it true that you were actually peddling fake news? That's the answer. But you have also been shot again. Especially at a sensitive time like more. Mr. Gokhale, what do you have to say for yourself? Mr. Gokhale, what do you have to say for yourself about the tweet that you've sent out? Border between Karnataka and बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते. मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं. जब उनकी माताजी सोनिया जी ने अपनी सरकार में एफिडेविट दे डाला कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, तब राहुल गांधी खामोश क्यों बैठे थे? क्या वो भी षड्यंत्र का हिस्सा थे? उनकी चुप्पी ये बतलाती है यही उनकी धारणा थी. दो बार लगातार लोकसभा का चुनाव हारने के बाद अब राम के भक्त बने हैं. हिमाचल प्रदेश को जितना मोदी जी ने दिया है वो शायद कांग्रेस कई वर्षों में भी नहीं दे पाई. कारण केवल एक है, जनता देखती है कि कांग्रेस बड़े बड़े वायदे करती है फिर भूल जाती है. भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके भी दिखाया और जो नहीं भी कहा वो भी करके दिखाया. खाता नहीं खोल पाए. हिमाचल में उनकी दुकान पहले से बंद हो गई. 4 महीने पहले आम आदमी पार्टी की दुकान बंद हो गई थी. और अरविंद केजरीवाल जी का जो चेहरा है और इनकी पूरी पार्टी जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है वो हिमाचल की जनता बहुत अच्छी तरह जान गई. पंजाब में इन्होंने सरकार बनाई, 2 महीने के अंदर इनका जो स्वास्थ्य मंत्री था वो जेल में, उसको इस्तीफा देना पड़ा. हमने इसको गंभीरता से विचार किया है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. हमने इसका ड्राफ्ट बनाने के लिए भी बोल दिया है और हिमाचल के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें उसमें की जा सकती है उस दिशा में हम आज नहीं, हमने पहले दिन काफ़ी पहले इस बात को लेकर के हमने जिक्र किया कि हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे. जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे उस वक्त उन्होंने राम बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए और उस जमाने में कोई कंप्यूटर नहीं था. 10 मिनट की हियरिंग में 60 पेजेस का ऑर्डर दे दिया गया और बूटा सिंह शाम में ठहर कर, उस वक्त शायद एनडी तिवारी भी मुख्यमंत्री थे, ताले खुलवा दिए. तो ये तारीख है. एक्सपेरिमेंट है, प्रोएक्टिव एक्शन है और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी एक्शन है. बहुत अच्छा निर्णय लिया है प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने. एक बार यहाँ पर सेल चालू हो जाएगा, बहुत सारे राज्य भी इसको स्टडी करके अपने अपने यहाँ लाएंगे. जो धर्म संसद देश के कोने कोने में हो रहे हैं, जहां पर महिलाएं, बल्कि भाजपा की महिलाओं पर वो लोग गंदगी से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो रेडिकलाइज नहीं है तो क्या है? किसने कहा था हेमंत करकरे को मैंने शराब दिया इसलिए मर गया? हेमंत करकरे ने अपनी जान की कुर्बानी दी क्योंकि पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे, वो आतंकवादी. ये रेडिकलाइजेशन नहीं है तो क्या है? અને ખેડગેજીને હું ઓળખું છું, એમનો ખૂબ આદર કરું છું, એમનું સન્માન કરું છું, પણ ખેડગેજીને તો એ જ બોલવું પડે જે એમને ત્યાંથી ભણાવીને મોકલ્યા હોય. અને કોંગ્રેસ પાર્ટી એને ખબર નથી કે આ રામ ભક્તોનું ગુજરાત છે. આપ કિસી કો મત દેખો, મોદી કો દેખ કર વોટ દો. ભાઈ તુમ્હારે કો તુમ્હારી સુરત કિતની બાર દેખના, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना. हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा सौ मुख है क्या है? एक बात चलती है, एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, दो बार भी बोलेंगे
तो भी सुन लेंगे। कितने बार झूठ बोलेंगे, झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है। परंतु भारतीय जनता पार्टी अपना मत प्रतिशत भी बढ़ा रही है, सीटें भी बढ़ा रही है, और कोई कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता वोट न दे। मैं स्पेकुलेशन के आधार पर तो नहीं कर सकता, जमीनी हकीकत में वो है। आज ऑपोजिशन गुजरात असेंबली में कांग्रेस ही है, जमीन पर भी कांग्रेस है। कटौती बढ़ोतरी हो सकती है, परंतु उनका बेज आज भी है। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना, कभी जीती तू कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है गुला कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। QS&T achieved the world's foremost university rankings. Organizations have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. We are in Jammu where the Kashmiri Pandit community is staging protest, and this is day 209th of their protest. For the past 209 days they have been staging protest. Here section 144 has been imposed and the birthplace of Krishna. Hindu Mahasabha Sangathan ready to recite the Hanuman Chalisa outside the mosque, and the police people are ready to stop. Yesterday night at around 10, there was a humming sound of a drone that was noticed by the border security force in the Taran Taran. Post that, you know, the searches during morning searches, the drone has been recovered at around 8:30 in the morning. Mr. Gokhale, what would you say? Why have you been detained? That you did, you do, did you intentionally post fake? Did you pay? But there is also being said that the RTI that you had said was fake news. Was it true? Mr. Gokhale, was it true that you were actually peddling fake news? That's the answer. But you have also been shot again. Especially at a sensitive time like more. Mr. Gokhale, what do you have to say for yourself? Mr. Gokhale, what do you have to say for yourself about the tweet that you sent out? Border between Karnataka and Maharashtra, Belgavi, Karnataka Rakshana Vedike organization is holding a protest over the dispute. SFI leader has now admitted in the hospital after being attacked by students in Wayanad in Kerala. 4 persons were arrested. Republic TV has confronted Saket Gokhale, where he has said that I am detained, but the Oreva owners are not yet arrested. India trusts for elections. Fastest numbers on result day live with or not. Fastest and most credible numbers on result day. The accurate results. Stay with India's number one election team. Elections mean republic, elections mean honor. India's election news headquarters.
The channel and anchor India trusts for elections. Fastest numbers on Result Day Live with Arnav. Fastest and most credible numbers on Result Day. यही कर रहे थे कि सबसे ज्यादा लोग हमारे वोटिंग सेंटर्स पे काउंटिंग सेंटर्स पे माफ कीजिए काउंटिंग सेंटर्स पे हैं। सो जो लेटेस्ट जो पल्स आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी। आदे ऐश्वर्या का कितने लोग हमारे खड़े हैं जमीन पर और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव गुजरात में और हिमाचल में दोनों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए कुछ भी लोग कहें एनालिसिस होगा अभी हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे कि इस पार्टी का चुनाव है उस पार्टी का चुनाव है। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी छठा अपना जो एक मैंडेट लेगी गुजरात में और हिमाचल में अगर वो रिवाज बदल पाते हैं वो मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण होगा देश की राजनीति को समझने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हमारे साथ सुमित मौजूद है, सीधे लिए चलेंगे आपको काउंटिंग सेंटर की पहली तस्वीर। सुमित जब आपके साथ शुरू किया था तब अंधेरा था, अब खासी रोशनी हो गई है और जितनी रोशनी है आपको लग रहा है ऐसी ही रोशनी नतीजों में भी आने वाली है, क्योंकि जो बताया जा रहा है कल की रात जो थी बहुत से लोगों के लिए कयामत की रात थी, बहुत से नेताओं को उम्मीदवारों को नींद भी नहीं आई कल। बिल्कुल यही रात अंतिम थी और यही रात भारी भी थी सुहेल, और जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर है और ये देखिए क्योंकि उजाला हो गया और वैसे वैसे हलचल पूरी तरीके तेज हो गई है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है और अब बहुत ही कम वक्त रह गया है पहले रुझान के लिए। और सबसे बड़ा रुझान और सबसे सटीक नतीजे सबसे पहले रिपब्लिक भारत की टीम यहाँ पर दिखाएगी। तमाम सेंटर्स पर हमारे तमाम सहयोगी जो है वो इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर कुछ कियोस में जो लगातार होता हुआ नजर आया, एक कैंडिडेट है यहाँ पर मैं सुहेल मिलवाना चाहूंगा। भले ही गुजरात में उतनी गर्मी नजर नहीं आ रही हो लेकिन नतीजे क्या बताएंगे, कैंडिडेट हमारे साथ क्या हुआ था, क्यों अंदर जाते हुए क्या हो रहा था? सर जी इतना तामझाम है, आई एम द कैंडिडेट, सबको पार्किंग अंदर मिल रहा है, पानी नहीं दिया आपको, 500 गाड़ी को पार्किंग है बोलते हैं आपको अंदर पार्किंग नहीं मिलेगा कैंडिडेट को, तो फिर हमारी क्यों रोक दिया, क्यों रोक दिया आपको, ऐसा ना होना चाहिए ना, क्यों रोका वही तो सवाल है। कहा कि कैंडिडेट है आपको नहीं वो तो बताया नहीं उन रास्ता चालू लोगों को पार्किंग मिलता है तो हम तो मेन है वीवीआईपी पर्सन को अंदर कौन सी विधानसभा से? मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं एलिस ब्रिज विधानसभा से, इसी सीट से ये जगह भी। क्या कहा तो आप तो साइकिल पे आए थे सवार होकर, साइकिल कहां आपकी? हां साइकिल में आया था, व्हीकल माय साइकिल इज माय व्हीकल, तो बोलते हैं कि आपको अंदर नहीं जाने देंगे। कैंडिडेट्स के लिए तो रास्ता होगा ना उधर से जाने के लिए, चलते हुए तो अंदर जाएगा नहीं, उसको अपना व्हीकल ले जाने की। सुमित अब इनसे ये भी पूछ लीजिए नतीजों के बारे में, परेशान तो है क्या साइकिल से ही लड़ रहे हैं चुनाव? टोटल एक विधानसभा के 10 कैंडिडेट होते तो 80 गाड़ियों का पार्किंग नहीं हो सकता, उनकी अंदर 500 गाड़ियों का पार्किंग अवेलेबल है। तो आज बाहर पार्किंग करे और 500 वीवीआईपी कौन से आएंगे वो अंदर पार्किंग करेंगे। नाम क्या आपका, नाम क्या है, नाम क्या? This is BJP. नहीं, नाम क्या आपका? अमीराज जो चुनाव पूरा लड़ा है इस बार गुजरात का आपने साइकिल के साथ ही लड़ा है? हाँ साइकिल के साथ ही लड़ा है। तो रोड समाजवादी के कैंडिडेट है क्या? इस बार साइकिल का खाता खुलने वाला है वैसे गुजरात में। हाँ दीपक भाई खबर से रहे साइकिल तो बहुत पीछे चलेगी पार्किंग की जगह बिल्कुल नहीं इनको पता है मैं क्यों कह रहा हूँ। बिल्कुल आएंगे वापस आपके पास सोहेल, सुमित आपके पास आएंगे। सलोनी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी ऑफिस पर सलोनी है। सुचारिता बता रही है कुछ खास जो आपके लिए इन नतीजों के दौरान जब आने शुरू होंगे तो हम खास ग्राफिक्स आपके लिए लेकर आएंगे। सुचारिता बिल्कुल सोहेल, और साइकिल जैसा अभिषेक कह रहे थे कि साइकिल का खाता गुजरात में खुलेगा, मैनपुरी और रामपुर में क्या होगा वो भी देखना है साइकिल के साथ, क्योंकि उसके भी नतीजे आ जाने हैं। लेकिन सबसे पहले बताते हैं पटेल की धरती गुजरात में 182 सीटों के लिए जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है, सील कर दिया मैंडेट, और आज पता चलेगा कि किसको सत्ता सौंपी है। तमाम एग्जिट पोल्स, हमारा पी मार्क का एग्जिट पोल बता रहा है कि इस पे गुजरात में बीजेपी वापस आ रही है और बड़े नंबर्स के साथ आ रही है, यानी एक अपवर्ड स्विंग के साथ। पिछली बार की 99 सीटों को के से ऊपर बढ़ते हुए 128 से 148 हमारा पी मार्क का सर्वे कहता है, लेकिन अभी थोड़ा जल्दी है बताना, 8 बजे से पिटारा खुलेगा और तब नतीजे जल्दी जल्दी आएंगे। गुजरात की 182 सीटों के लिए अपना मैंडेट जनता ने दे दिया है। वहीं गुजरात के साथ साथ आज हिमाचल में भी सरकार चुनी जा रही है और हिमाचल के जनता ने किसे सत्ता सौंपी है। 1985 के बाद से हर 5 साल में कांग्रेस और बीजेपी ने सत्ता अल्टी पलटी है, लेकिन इस बार क्या आम आदमी पार्टी अपने लिए कोई जगह बना पाएगी हिमाचल में? हिमाचल में क्या बीजेपी वापसी कर पाएगी, रिवाज बदल पाएगी, या फिर कांग्रेस इस बार
अपना वापसी करती है हिमाचल में, यह भी देखना होगा। और उसके लिए जैसा हमने कहा कि सुगबुगाहट बढ़ गई है क्योंकि नेता कांग्रेस ने भेज दिया अपने शिमला में, जिससे कि शिमला में अगर विधायक आते हैं और सरकार बनते हुए आंकड़ा दिखता है तो वहां पर विधायकों पर एक तरह से नकेल कसी जा सके। ऐश्वर्या बिल्कुल, और इस समय हमारे साथ बीजेपी के नेता और उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी जुड़े हुए हैं सुबह सुबह। शहजाद, इट्स रियली अर्ली मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू माय स्टैंडर्ड 7 AM, बट शहजाद गुजरात में तो ठीक है भाई, हर एक दिखा रहा है कि आप हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं भाई, 27 साल बाद भी यू आर गोइंग टू बी देयर। बट शहजाद हिमाचल प्रदेश, एंड आई एम स्टिकिंग टू द लास्ट स्टेट विच माई कलीग सुचरिता वॉज जस्ट मैंशनिंग, शहजाद ये एक ऐसा स्टेट है कि 1985 से लेकर अभी तक आप देखें, मतलब एक के बाद एक ऑल्टरनेट होता है, लेकिन उत्तराखंड में आपने ये माहौल बदला था, आपने ये रिवाज बदला था, हेंस बीजेपी को लगता है कि बीजेपी हिमाचल में कर लेगी। बट कांग्रेस तो भाई एक के बाद एक कह रही है कि भाई इस बार नहीं होने देंगे, ये उत्तराखंड में होने दिया, हिमाचल में मौका नहीं देंगे बीजेपी, एंड इट्स गोइंग डाउन टू द वायर, ऐसा लग रहा है। शहजाद, व्हाट डू यू फील, आपको क्या लगता है? पहले तो ऐश्वर्या जी, ब्रह्म मुहूर्त उठने की आदत है मेरी, 5 बजे ही उठ जाता हूँ मैं। वेरी गुड, तो इट्स नॉट वेरी अर्ली मॉर्निंग फॉर मी, बट गुड मॉर्निंग टू यू। और बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है अभी। देखिए, हिमाचल में जिस प्रकार से केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार और जयराम ठाकुर जी की सरकार ने मिलकर वहां पर काम किया है, आज पहली बार आपने देखा है, चाहे एम्स बिलासपुर को जिसकी नींव रखी गई और उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया, IIT हो, IIM हो, IIIT हो, चाहे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो विकास के सारे काम हो, 50,000 रोड कनेक्टिविटी हो, करोड़ की रोड कनेक्टिविटी हो, ये सारे काम जो किए हिमाचल की जनता के लिए, और जो एक जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, नड्डा जी का हिमाचल के साथ रहा है, इसके चलते आज राज नहीं रिवाज बदलने वाला है। आपने इसका एक उदाहरण उत्तराखंड में भी देखा, आपने इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश में भी देखा। मुझे याद है जब हम लोग कुछ महीने पहले इन 5 राज्यों के चुनाव का ऐसे ही विश्लेषण कर रहे थे, किसी ने ये नहीं कहा था या सोचा था कि उत्तराखंड में भी एक हिस्टोरिकल पैटर्न तोड़कर भाजपा फिर से एक सरकार बनाएगी वहां पर। आज पॉलिटिक्स ऑफ प्रो इनकम्बेंसी चल रही है देश में, पॉलिटिक्स ऑफ प्रो इनकम्बेंसी, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। अगर ये सब आप जो कह रहे हैं, अगर वो सब ठीक है तो फिर कांग्रेस ऐसी टक्कर क्यों दे, नहीं तो फिर कांग्रेस नेतृत्व करते हैं। नहीं शहजाद, मैं ये सवाल इसलिए, मैं आपकी बात मानता हूं कि पॉजिटिविटी, प्रो इनकम्बेंसी, ओके पॉइंट टेकन, लेकिन हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक अगर इतना ही सब कुछ अच्छा था तो फिर कांग्रेस इतना, मतलब कांग्रेस आपको इतना टक्कर कैसे दे पा रही। आप जो दिल्ली MCD में आपने किया कि आप मतलब इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं कर रहे हैं, अगर आप हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे ही करेंगे, अगर इट गोज डाउन टू द वायर, इवन इफ बीजेपी विंस, बिकॉज बीजेपी इज नॉट ओनली अबाउट विनिंग, मार्जिन आपको देखना पड़ेगा, मार्जिन आपका कितना रहता है इस बार। ये इंटरेस्टिंग होगा शहजाद। लेकिन शहजाद आपके पास आए उससे पहले एक बार जरा ग्राउंड पर चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर सलोनी इस वक्त गुजरात में हमारे साथ है बीजेपी दफ्तर पर शहजाद, और इसलिए उनसे पूछ लेते हैं। गुजरात में तो आप लोगों के लिए अपबीट मूड है, आप लोग मानकर चल रहे हैं वहां सरकार बन रही है आपकी, हिमाचल आप लोगों के लिए एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। सलोनी जरा बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल सुचरिता, हम तस्वीरें दिखाते हैं, दिखाइए यतीश तस्वीरें, दिखाइए शामियाना कैसे लगा हुआ है। देखिए ये पूरा शामियाना लगा हुआ है और यहाँ पर अभी मीडिया कर्मियों की हलचल है, चहल पहल है, लेकिन बड़ी बात ये है कि एक बड़ी सी स्क्रीन भी लगा दी गई है, जिससे कि जैसे ही रुझान आने शुरू हो जो कार्यकर्ता यहाँ जुटेंगे, स्पीकर्स लगे हैं और तैयारी पूरी है जश्न की। बीजेपी जितनी कॉन्फिडेंट है उसी लिहाज से बड़ी तैयारी भी की गई है। सेल्फी पॉइंट की भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को कि सेल्फी पॉइंट बनाया गया है प्रधानमंत्री के कैरिकेचर के साथ। ये तो तमाम तैयारियां की गई है, वो इसलिए क्योंकि जीत को लेकर जितनी आश्वस्त बीजेपी है उसको लेकर यहां पर समझ में आया ये गुजरात हमने बनाया, गुजरात हमने बनाया, ये नारा प्रधानमंत्री ने कई बार बोला भी अपनी रैलियों में, 31 रैलियां की उसमें उन्होंने बोला भी, और ये नारा यहां लगाया भी है, कैरिकेचर लगाया है, हमारा परिश्रम आपका भरोसा ये लिखा हुआ है यहां पर, यानी बीजेपी परिश्रम कर रही है और भरोसा अब जनता ने जाहिर किया है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर चल जाएगा, हालांकि जो एग्जिट पोल, ढोल नगाड़े बज रहे थे, शामियाना सजा था और आज बीजेपी के दफ्तर में शामियाना लगा है
और लड्डू का भी ऑर्डर संभव है एग्जिट पोल के हिसाब से दे ही दिया गया होगा। कल हम यही बात कर रहे थे कि कल तो कह रहे हो लेकिन उस म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन को राष्ट्रीय स्तर पे मत देखो, अभी समय है। केजरीवाल वांट्स टू ग्रो बट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, अभी थोड़ा समय लगेगा बॉस। सपना देखना अच्छी बात है लेकिन इतना जल्दी नहीं। ख्याल से ऐश्वर्या लड्डू मस्ट बी जस्ट अ लॉजिस्टिक्स एक्सरसाइज, तैयारी रखते होंगे सबके लड्डू इधर भी है उधर भी है। कल तो कहा था वहां पर नहीं, वो किसी ने कहा था कि मतलब एक ही मतलब हलवाई होता है जो जीतता है वो वहां पे सप्लाई कर देता है लेकिन तैयार रखता है लड्डू, बस जहां से ऑर्डर आता है वहां भेज देता है। आपको चाहिए या फिर मेरे को चाहिए, वो एक हलवाई एक ऐसे आएगा, सप्लायर एक है लेकिन हमारे लोग बिल्कुल फील। जी सलोनी ऑर्डर हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है ऑर्डर हो चुका है क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटने वाले हैं। होली खेली जाती है, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव, सुहेल आप भी वहां पर थे, होली जैसा माहौल हो जाता है, होली दिवाली जैसा वो रौनक वो चहल पहल वो हलचल नजर आती है क्योंकि इसके लिए अथक परिश्रम भी कार्यकर्ता करते हैं। बीजेपी सबसे ज्यादा ग्राउंड जीरो पर नजर आई है। आप किसी भी पार्टी का जिक्र करें, कांग्रेस के नेता आए ही नहीं, राहुल गांधी को तो मना ही कर दिया गया संगठन की तरफ से कि आप आएंगे तो जो बचे कुचे वोट है वो भी कट जाएंगे। आम आदमी पार्टी शुरुआती दिनों में बहुत उत्साहित नजर आई, रैलियां की, भगवंत मान आए, अरविंद केजरीवाल आए, त्रिकोणीय मुकाबले का दावा भी कर दिया गया, लेकिन आज जो है आज वो जो टेस्ट दिया गया है, कहा जाता है परीक्षा देना तो बहुत आसान है लेकिन जब रिजल्ट आता है तब असली सच्चाई पता चलती है। हर बच्चा कहता है कि एग्जाम बहुत वहीं से मौजूद है, सुमित सर 45 सच्चाई पता चलती है जो आएगा और थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि अब ज्यादा वक्त बाकी रह नहीं गया है सलोनी। लेकिन एक बार सुजाता का रुख कर लेते हैं कि सुजाता वहां पर किशोर लड्डू गए हैं बनने के लिए या फिर जिस तरह से ऐश्वर्या कह रहे हैं कि हलवाई तो एक ही होता है देखिए और जो जीतता है वही लड्डू डिलीवर कर दिए जाते हैं। बिल्कुल ये ऐश्वर्या की बात यहाँ बिल्कुल सही लागू होती है क्योंकि यहाँ किसी को पता नहीं है कि लड्डू कौन बांट पाएगा क्योंकि हमने बात करने की भी कोशिश की थी तो वो भी थोड़ा कंफ्यूज नजर आए कि लड्डू के ऑर्डर दे कि नहीं दे। तो हलवाई ने लड्डू तैयार कर लिए होंगे, जब सप्लाई करने होंगे तो वो देख लेगा कि किस दफ्तर में सप्लाई करने हैं। लेकिन जैसा कि शहजाद अभी कह रहे थे, शहजाद को उम्मीद है कि अभी भी यहाँ कुछ हो सकता है लेकिन कांग्रेस अगर मजबूत स्थिति में है तो इसीलिए यहाँ पर नजर आती है क्योंकि यहाँ उसके नेता कम है। उत्तराखंड में ऐसा हुआ था कि नेता बहुत ज्यादा हो गए थे और जो सबसे बड़े नेता थे हरीश रावत वो पंजाब की क्राइसिस सुलझाने में व्यस्त रहे और उनको पता ही नहीं चला कि पीछे से उत्तराखंड में क्या हो गया है। बोलो, बोलो, और यही जो बात है और यहाँ लड़ाई जो है यहाँ कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के भीतर नजर आती है। आपको याद होगा कि 20-20 बागी हैं यहाँ पर। बिल्कुल हिमाचल में लड़ाई है सुजाता, हिमाचल में जैसा आप कह रही हैं आपको वहां पर मौसम का लुत्फ उठाने का मौका नहीं मिलेगा, वहां पर बहुत ज्यादा सियासी फाइट बढ़ने वाली है और जैसा कि हमने बताया बीजेपी खेमे के भी और कांग्रेस खेमे के भी नेता पहुंचने शुरू हो गए शिमला। तो ये डेवलपमेंट है क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज भी हम साथ साथ देते जा रहे हैं जैसे जैसे खबरें आ रही और 8 बजे से नतीजे 45 मिनट बाद सुहेल हम बताना शुरू करेंगे एक एक जैसे ही रिजल्ट हमारी स्क्रीन पर होगा अपने दर्शकों के साथ। और ये भी बता दें साथ साथ कि कुछ ही वक्त में आपके साथ अर्णब गोस्वामी भी होंगे, सबसे तेज नतीजे तो होंगे रिपब्लिक पर लेकिन अर्णब गोस्वामी रिपब्लिक पर सबसे तेज नतीजों के साथ। बिल्कुल सोहेल और इस समय ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया अभिषेक, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सुचरिता सोहेल और हिमानी अपने आप को राष्ट्र पार्टी बनने पर अपने आप को बधाई दे दी है, पोस्टर लगा दिया है, वो पोस्टर हम ऑनर करेंगे अगले कुछ क्षणों में लेकिन वो कह रहे हैं भाई राष्ट्र पार्टी बनने पर सभी देशवासियों को बधाई। आम आदमी पार्टी वो ये है कि मतलब अपने मुंह मियां में मिट्ठू है बॉस, राष्ट्रीय पार्टी बनने पर अपने आप को दे रहे हैं बधाई। ये क्या है ऐश्वर्या, संभव 6% तो वोट चाहिए। अरे तो आने तो दीजिए पहले। देखिए कुछ असेसमेंट रहता है आपका, ग्राउंड का असेसमेंट रहता है, उस ग्राउंड के असेसमेंट के बेसिस पे आपको आपका कार्डर बोले, आपकी जनता बोले, आपके नेता खुद ही पोस्टर लगवा दे रहे हैं। देखिए एक कॉन्फिडेंस है। अरे आप भी तो हैं, मैं कैसे भूल गया आपको, बोलिए सर बोलिए। मैं कब मना कर रहा हूँ सर, सुबह सुबह आपने देखे सब देंगे लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आप इटसेल्फ हैज डिक्लेयर्ड, आपने अपने आप को ये घोषणा कर दी है कि हम राष्ट्र पार्टी बन। कांग्रेस के लिए एक और हमारी सलाह है कि भाई अपने विधायकों की बाड़ेबंदी भी चालू कर दें हिमाचल में और शुरू कर दी। आप लेट आए, आज हम सुबह से आए हुए, एक नहीं तीन तीन नेता है, भूपेंद्र हुड्डा, भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला, तीनों पहुंच गए, तीनों गोवा भी गए थे, तीनों गोवा भी गए थे। पर यहाँ पे बीजेपी भी जा रही है और यहाँ पे पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी ने भेज दिया है। विनोद तावड़े चले गए बीजेपी से, कांग्रेस को लग रहा है यही स्टेट है, गुजरात में तो है नहीं ना 3 में ना 13 में, यहाँ पे है कि बॉस टक्कर है थोड़ी, तो अगर कुछ विधायक आ जाते हैं तो उनको बचा लिया जाए। अच्छा टक्कर इसलिए कि राहुल गांधी नहीं गए थे वहां। और गुजरात से सुमित हमारे साथ है। सुमित जरा बताइए यहाँ पर जैसा ऐश्वर्या ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने आप को नेशनल पार्टी की बधाई देती हुई पोस्टर्स लगवा चुकी है, वहां पर हमने थ्रू आउट चुनाव जो वहां पर चला हमने इस बात की चर्चा की कि क्या त्रिकोणीय मुकाबला गुजरात में दिख रहा है, वोटर्स ने क्या कहा आपसे, क्या चर्चा है वहां पर, जरा जल्दी से बताइए उसके बाद बाकी सबके बीच।
देखिए सोच रहा था क्योंकि ग्राउंड जीरो पर चाहे हम यहाँ पर नवसारी की बात करें, बासंदा की बात करें, क्योंकि सूरत का ये पूरा इलाका पड़ता है और वहीं से एक होप जो है वो आम आदमी पार्टी को नजर आई थी। लेकिन इसके अलावा तमाम उन ग्रामीण इलाकों का जिसका दम बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से भरा गया, वहां के तमाम लोगों से हमने जो है बात करने की कोशिश की और हमने लगातार उन लोगों के वर्कशॉप जो है वो भी भेजे थे, आपने उन्हें तमाम अलग अलग प्रोग्राम्स में दिखाया भी है सोच रहा था जिसमें। और अब इस समय आप देख सकते हैं, क्या बोलूं, अर्णब गोस्वामी खुद खड़े हैं तो खड़े हैं, इस तरह का इंट्रोडक्शन है, खुद ही तो खड़े होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी आ गए हैं और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे अर्णब, हिंदी के व्यूअर्स के लिए ज्यादा बड़ी बात है कि आप हैं और ये इलेक्शन सुबह से जो ग्राउंड पे आप अभी आप सुमित को सुन रहे थे, सुमित ने बताया कि वहां पर एक पूरा एक चुनाव के दौरान त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर चर्चाएं हुई है, वो आज नतीजों में नजर आएगा कि नहीं उसका इंतजार करना है, क्या वोट और सीट मिलती दिख रही है आम आदमी पार्टी की। बड़ी बात यह है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो चुनाव है ये 2022 का आखिरी चुनाव है और जो नतीजे आएंगे, ये जो 250 सीट के जो नतीजे आएंगे, इसमें एक ही रुझान तो मैं देखने वाला हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर होगा, है ना। एक तरह से तो कल आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग गया, ये कह रहे थे स्वीप होने वाली है दिल्ली में और हमारे तक वाले तो ऐसे कर रहे थे एमसीडी इलेक्शंस की कवरेज जैसे लग रहा था जनरल इलेक्शन है, मगर आपको तो बहुत बड़ा धक्का कल लग गया, इट्स अ रियलिटी चेक उनको मिली। हाँ, उसके बाद 2024 के चुनाव के पहले क्या कोई भी पार्टी वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड कर सकती है, इंक्लूडिंग बीजेपी? नहीं कर सकती, इस पर भी सवाल है। और दूसरा है कि मोदी फैक्टर कितना इंप्लीमेंट हो गया है ग्राउंड पे, उसका इंपैक्ट हिमाचल पे होगा कि नहीं होगा, ऑपोजिशन है कि नहीं है, कोई एक पार्टी है कि नहीं है जो मतलब बीजेपी को टेक ऑन कर सकती है। अब मैंने कल से एक नई एनालिसिस सुनी है अभिषेक, कि अगर हिमाचल में कांग्रेस आगे निकल जाए तो रिजल्ट 1-1 होगा, मगर मैं इस बात को नहीं मानता राष्ट्रीय स्तर पर। हिमाचल में कितने लोकसभा सीटें हैं? 4। और गुजरात में कितने लोकसभा सीटें हैं? 26। तो कंपैरिजन कहां पे है? ये अपने आप को एक तरह से दिलासा देने के लिए कंसोलेशन प्राइज लेने की कोशिश कर रहे हैं कल से सुहेल कि 1-1 हो जाएगा। ये 1-1 कैसे होगा? राष्ट्रीय स्तर पर 26 वोट एक तरफ और 4 एक तरफ, तो इसकी कोई बात कोई गुंजाइश ही नहीं है। 6 गुने से ज्यादा है भाई, 6 गुने से ज्यादा है। तो 2022 के सेमीफाइनल है, 2024 में फाइनल होने वाला है, मोदी वेव है कि नहीं है, हिमाचल में क्लिफ हैंगर होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता है, मगर मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप इस बात को मान के चले और एक बात, करीब 70% वोट बीजेपी को मिले थे लोकसभा चुनाव में, 70 से अगर 42 भी हो जाए, आप हिमाचल के वोट शेयर को देखिए, 42% वोट शेयर में भी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हो वो हिमाचल इलेक्शन जीत सकती है। यानी कि अगर -6% स्विंग हो जाए आज, बीजेपी से 6% वोटर अगर अलग हो जाए फिर भी बीजेपी की जीतने की आशंका है मुझे लगती है। आप इस बात को आगे ले जाइए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पिछली बार आया था 48.8 और उसमें 44 सीटें ले आई थी बीजेपी और कांग्रेस को 41.7 वोट शेयर था अभिषेक, सोहेल और सुचरिता, उसमें 21 सीट आई थी। तो इसमें जो कह रहा है अर्णब कि अगर 41-42% भी आया तो भी जीत सकता है, दैट्स अ रियलिटी, लेकिन हिमाचल प्रदेश और गुजरात को बराबरी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और इस समय अर्णब हमारी सबसे बड़ी टीम ग्राउंड पे भी है, हिमाचल गुजरात दिल्ली, बिल्कुल गरिमा जरा दिखा दीजिए चप्पे चप्पे पे, इस समय रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के रिपोर्टर और ग्राउंड पे जाइए, बिल्कुल ग्राउंड की बात करिए, बाकी चैनल स्टूडियो सुमित हमारे साथ है, सुमित के पास चलेंगे, काउंटिंग सेंटर पर हमारे रिपोर्टर जो सुमित हैं, सुमित दिखाइए जरा क्या तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि सिर्फ 40 मिनट बचे काउंटिंग शुरू होने में, 40 मिनट और एक रिपब्लिक के रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर है। सुमित तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल 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 सोहेल, और चप्पे चप्पे पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स हैं और 40 मिनट के बाद जो पहला रुझान आएगा, मनीष जो है तस्वीरें दिखा दीजिए फटाफट कि आखिर कैसे जो है पूरी तैनाती है यहाँ पर जो काउंटिंग सेंटर है और तमाम गाड़ियां अंदर पहुंच चुकी है, ऑफिशियल तमाम अंदर पहुंच चुके हैं और सबसे पहला रुझान जो है वो सिर्फ 40 मिनट के बाद रिपब्लिक भारत पर, हमारी जो सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है और तमाम जो काउंटिंग सेंटर्स हैं वहां पर आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार जो त्रिकोणीय मुकाबले का आप लोगों ने यहां पर जिक्र किया, वो ग्राउंड पर क्या है, रियलिटी क्या है, वो यहीं से जो है निकलकर सामने
आने वाली है। मनीष जरा तस्वीर यहाँ पर दिखाइए, क्योंकि हम सुबह से जैसे जैसे यहाँ पर मौजूद है, तमाम गाड़ियां एक के बाद एक यहाँ पर पहुंची हैं और उसके बाद तमाम ऑफिसर्स अपनी अपनी पोजीशन यहाँ पर ले चुके हैं और उसके बाद ही अब रुझान जो है वो निकलने शुरू हो जाएंगे। और पहला रुझान यहाँ से क्यों निकल कर जाएगा, क्योंकि यह सीट, क्योंकि ये जो काउंटिंग सेंटर है इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूपेंद्र पटेल जो है उनकी सीट भी यहीं पर आती है, यहीं से जो है वो तस्वीर निकल कर सामने आएगी, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़े चेहरों में से एक भूपेंद्र पटेल जिनका जिनकी जिनकी जो जो सीट है यहीं पर उसकी काउंटिंग भी यहां पर बिल्कुल सुबह तरफ से चलते हैं सीधा सलोनी के पास। शिखा यहां पे दिल्ली में है, अनामिका है, सृष्टि है, लेकिन सबसे पहले सलोनी के पास चल रहे हैं जो वहां पे बीजेपी हेडक्वार्टर्स पे। सलोनी ओवर टू यू, वहां पे क्या माहौल है सलोनी? ओके सलोनी, बिल्कुल ऐश्वर्य, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं श्री कमलम की जो गांधीनगर में बीजेपी दफ्तर, और यहाँ देखिए पूरे भगवा रंग में ये पूरा दफ्तर सजा नजर आ रहा है क्योंकि शामियाना लगा दिया गया है। यहाँ पर स्पीकर्स लगे हुए, एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिसमें रुझान दिखाए जाएंगे। बीजेपी जिस तरह से कॉन्फिडेंट रही है अपनी जीत को लेकर, दो तिहाई से ज्यादा इस समय दावा कर रही है कि उसे मिलेंगे इस बार वोट, प्रतिशत भी ज्यादा होगा और मैंडेट भी मैसिव होगा ये कह रही है बीजेपी। और तमाम जो तैयारियां हैं वो देखिए, जरा ये सेल्फी पॉइंट भी दिखा दीजिए हितेश, सेल्फी पॉइंट दिखा दीजिए। यहाँ जो कार्यकर्ता पहुंचेंगे उनके स्वागत के लिए ये सेल्फी पॉइंट लगाया गया है और ये बड़ा सा कैरिकेचर प्रधानमंत्री का आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का बड़ा सा कैरिकेचर देख रहे हैं। और ये गुजरात हमने बनाया है, ये प्रधानमंत्री ने लिखा है, आपका हमारा परिश्रम आपका भरोसा, ये बीजेपी का एक तरह से आदर्श वाक्य रहा था पूरे कैंपेनिंग के दौरान। प्रधानमंत्री ने खुद यहाँ पर 31 रैलियां की, 3 बड़े रोड शो किए, उम्मीद कीजिए कि 1 घंटे बाद तक यहाँ ये बीजेपी दफ्तर भरना शुरू हो जाएगा, कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो जाएगा और वहां पर जो तस्वीरें आएंगी मुझे लगता है वो सबसे वाइब्रेंट और कलरफुल होंगी जो जहां पर आप मौजूद हैं। एक बार सुजाता के पास चले जाते हैं क्योंकि शिमला में इस वक्त जैसा वो कह रही थी ठंड है लेकिन सियासी गर्मी बढ़ी हुई है, क्या हो रहा है शिमला में? दोनों खेमों से, कांग्रेस और बीजेपी से वहां पर नेता भेज दिए गए हैं। सुजाता जरा बताइए। हार्दिक पटेल का रिएक्शन आ रहा है पहला। ये भरोसा सलामती और शांति का है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में जिस हिसाब से सुशासन कायम किया और लोगों को सुरक्षा और सलामती देना दे दिया है, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा और गुजरात में जो विजय होगा वो आने वाले 25 साल का गुजरात कैसा होगा वो तय होने वाला है। विरमगाम से भी हमारी जीत होगी और निश्चित रूप से इस चुनाव ने लोकतंत्र के जो मायने थे उसको मजबूत करने का काम किया। हार्दिक जी, बात करें एग्जिट पोल की, हमने जैसा से एग्जिट पोल देखा है बीजेपी यहाँ पे 7वीं बार रिकॉर्ड बनाते हैं, उसको क्या कुछ कहना चाहिए? ये जो सरकार बन रही है वो गुजरात के लोगों के सपनों के साथ गुजरात की सरकार ने जो काम किया है उसके आधार पे बन रही है। पिछले 20 सालों से एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ, पिछले 20 सालों से गुजरात के भीतर किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमले नहीं हुए, तो लोग भी ये समझते हैं कि चलो जो भरोसा हमने भारतीय जनता पार्टी पे किया है वो पूरा खरा उतरा है। और इसी कारण जब लोग वोट करने जाते हैं तो कमल के निशान पर बटन इसलिए दबाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारे आने वाला फ्यूचर बिल्कुल सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के शासन में रहेगा। नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने उस हिसाब से यहाँ सुशासन कायम किया है जिसके कारण लोगों में भरोसा और मजबूत हुआ है। लेकिन फिलहाल हम गांधीनगर सीट का, जहां पर इस वक्त श्रवण हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर इस वक्त किस तरह की हलचल देख रखे हैं? बीजेपी का ये गढ़ है, कांग्रेस जो सूखा है उसको यहां पर खत्म करने की कोशिश में बहुत जुटी हुई है, कोशिश हालांकि करती नजर लेकिन नहीं आई श्रवण। अगर ग्राउंड पर हम देखें तो जिस तरह से लड़ना चाहिए था उस तरह से वो फाइट नजर नहीं आई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से इस पूरे इलाके में जो बीजेपी के हेडक्वार्टर्स है, किस तरह से उन्होंने पूरे यहाँ पे बीजेपी के फ्लैग्स लगाए हुए हैं। और इस वक्त बीजेपी के हेडक्वार्टर्स अगर आप देखें तो कार्यकर्ता इस वक्त आए नहीं है, पर ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर बाद कई सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आने वाले होंगे। आपके सवाल के जवाब भी मैं देना चाहूँगा कि अगर कांग्रेस की इस बार बात करें कि कांग्रेस की कैंपेनिंग को लेकर बात करें, आप किसी को भी यहाँ पर पूछ लीजिए कि अर्बन इलाकों में जो कैंपेनिंग होने की बात हो रही थी वो इस बार नहीं हो। 2017 के अगर आप बात करें, 2017 में एक तरह से टक्कर था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में।
एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की सबसे ज्यादा सबसे बड़ी टीम आपको पूरी नतीजे दिखाने वाले हैं। सबसे बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की और रिपब्लिक टीवी की आपको गुजरात और हिमाचल से सही खबर लेके आएगी। मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना, कभी जीती तू कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है गुला कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ड्रीमलैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। QS&T achieved the world's foremost university rankings. Organizations have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना, कभी जीती तू कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है गुला कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ड्रीमलैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। We are in Jammu where the Kashmiri Pandit community is staging protest, and this is day 209th of their protest. For the past 209 days they have been staging protest, and what they say that apne desh mein dandit hain hum Kashmiri Pandit hain. This is the message they want to convey to the government, that we are only being punished in the Kashmir Valley because we are the patriotic and the nationalist voices, and don't rehabilitate us in Kashmir. Angered the people of Jammu, and the Bajrang Dal is staging protest here in Jammu, demanding that they want there should be an action against Farooq Abdullah. ID that was planted by the terrorists in Shirmal, Shopian, as per ADGP Kashmir, the threat has been neutralized by the joint forces. In Thiruvananthapuram, where the Youth Congress is staging a protest against the mayor after the letter controversy over the various appointments and nepotism thereof. We are in Jammu where the Kashmiri Pandit community is staging protest, and this is day 209th of their protest. For the past 209 days they have been staging protest. Here section 144 has been imposed, and the birthplace of Krishna, Hindu Mahasabha Sangathan, ready to recite the Hanuman Chalisa outside the mosque, and the police people are ready to stop. Yesterday night at around 10, there was a humming sound of a drone that was noticed by the border security force in the Tarantaran. Post that, the searches during morning searches, the drone has been recovered at around 8:30 in the morning. Mr. Gokhale, what would you say? Why have you been detained? Did you initially post fake news? But there is also being said that the RTI that you had said was fake news. Was it true? Mr. Gokhale, was it true that you were actually peddling fake news? That's the answer. But you have also been shot and killed. Especially at a sensitive time like more. Mr. Gokhale, what? Sohail, over to you. जी ऐश्वर्या, सिर्फ 30 मिनट का वक्त बचा है, रुझान आने शुरू होंगे और सबसे तेज रुझान रिपब्लिक पर हम दिखाएंगे। बहुत खास ये जो आप देख रहे हैं पटेल की का राज्य, जिसमें हम आपको बताएंगे 182 सीटों के रुझान आने शुरू होंगे। वो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर सबसे बड़ा फैक्टर जो इस चुनाव में रहा वो मोदी फैक्टर रहा। ये जो रिजल्ट होंगे गुजरात के, ये बताएंगे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को एक कदम और आगे ले जाएंगे, क्योंकि 2024 का ट्रेलर भी माना जा रहा है। गुजरात के नतीजे ठीक 30 मिनट में आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कितनी तेजी से जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं। और गुजरात के अलावा हिमाचल पर भी नजर रहने वाली है, क्योंकि हिमाचल में भी एग्जिट पोल टफ फाइट जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन हिमाचल का रिजल्ट क्या होता है ये इसलिए कह रहा हूं बड़ा है क्योंकि बीजेपी एक्शन में आ चुकी है, कांग्रेस एक्शन में आ चुकी है। कम से कम हिमाचल में जो ठंड पड़ रही है और नतीजों के बाद
कम से कम वो ठंड गर्मी में तब्दील होगी। सुचारिता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सुचारिता, सबसे तेज नतीजे रिपब्लिक पर सबसे पहले। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि सबसे तेज नतीजे और ठीक 28 मिनट बाद वो रुझान आने शुरू हो जाएंगे हमारे स्क्रीन पर। एक एक सीट के बारे में आपको बताएंगे रुझान क्या है और कैसे वो नतीजों में तब्दील होंगे। सीधे जा रहे हैं ग्राउंड पर और चलते हैं हम मृदुल के पास। मृदुल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जहां पर आप हैं अच्छा, अनामिका के पास जाते हैं। अनामिका दिल्ली दफ्तर में मौजूद है और आपको याद होगा पिछली बार 2017 में जब गुजरात का चुनाव जीता, भव्य आयोजन एक दिल्ली के इसी बीजेपी दफ्तर पर हुआ था अनामिका। और इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी की सबसे बड़ी जीत हो सकती है 27 साल के बाद भी, यानी इन एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी को कैसे बनाया जाता है ये गुजरात से कोई सीखे। और यही वजह है सुचरिता कि यहां पर भी दिल्ली बीजेपी दफ्तर पर भी तैयारियां कर ली गई हैं। पीछे की तरफ जो पीछे का गेट है वहां पर भव्य तैयारी की गई है कि जब यहां पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल से कार्यकर्ता पहले से ही उत्साहित हैं। उनका यह कहना है कि गुजरात हिमाचल दोनों हम जीत रहे हैं और कल जो एमसीडी के चुनाव है उस पर कोई भी कुछ नहीं बोलना चाहता है। कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि जनता ने हमें समर्थन दिया है और एमसीडी कोई राष्ट्रीय स्तर का चुनाव नहीं है, इससे स्टेट में कोई सरकार नहीं बननी है, इसलिए हमारा फोकस गुजरात पर है, हमारा फोकस हिमाचल पर है। और यूपी इलेक्शन की अगर बात करें तो यूपी इलेक्शन में भी यहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे उस वक्त भी भव्य तैयारियां देखने को मिली थी और उसी तरह से कार्यकर्ता उत्साहित है जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि गुजरात इलेक्शन की जब नतीजे आए थे 2017 में और उसके पहले भी जो तैयारियां यहां पर की गई थी, भव्य आयोजन किया गया था, कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, गुजरात के रंग दिल्ली में देखने को मिले थे और आज भी कुछ वैसी ही तैयारियां हैं। धीरे धीरे कार्यकर्ता जुटने शुरू होंगे। जो यहां पर सिक्योरिटी गार्ड से हमने उनसे बात की, उनका यह कहना है कि करीब 9 बजे के आसपास पर कार्यकर्ता जुटेंगे क्योंकि तस्वीर धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल अनामिका, यहाँ जुटे थे वो बोल कर ही गए। और यहाँ से सीधा रुख करते हैं हिमाचल के शिमला में। हमारी साथी सुजाता वहां मौजूद है, वहां पे बिल्कुल हलचल बढ़ गई है। काउंटिंग तो अभी और 20-25-26 मिनट बाकी है, लेकिन कांग्रेस के 3-3 नेता वहां पे हैं, बीजेपी के भी विनोद तावड़े वहां पे पहुंच गए, तो दोनों पार्टीज ने अपने वरिष्ठ नेताओं को वहां भेज दिया है। भूपेंद्र हुड्डा, भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला तीनों पहुंच गए वहां पे। सुजाता, विनोद तावड़े बीजेपी पहुंच गए, चीफ मिनिस्टर के घर में बैठे हुए, अभी मीटिंग चल रही है जयराम ठाकुर जी के साथ। जी सुजाता, उन्हें का मौका मिलता है, उनको अपने स्किल्स दिखाने का मौका मिलता है। इस वक्त हम सीएम आवास के बाहर ही मौजूद है। यहाँ आपको गुजरात से इतर तस्वीरें नजर आएगी। यहाँ पूरी तरह से खामोशी है क्योंकि सभी चिंतन में है, चिंता में है, क्योंकि बात बहुत बराबरी की है। देखिए, बयान तो आप दे सकते हैं कि हमें पूरा भरोसा है कि सरकार जरूर बनेगी, लेकिन सरकार कैसे बनेगी, किस हालत में बनेगी, क्या मार्जिन होगा, ये बहुत मुश्किल है कहना। और इसीलिए दोनों ही पार्टियां तैयार कर रही हैं अपने अपने जो धुरंधर है, रणनीतिकार, उनको यहाँ पर तैयार कर दिया है ताकि जरा भी इधर उधर ना हो पाए। कांग्रेस बहुत जगह ऐसी गलतियां कर चुकी है, कांग्रेस ने इसीलिए 3-3 ऑब्जर्वर तैनात कर दिए हैं कि अगर नतीजे जैसे जैसे आने लगेंगे तमाम जो विधायक हैं उन्हें इंटैक्ट रखा जाए, उन्हें संभाल कर रखा जाए, क्योंकि अभी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगह ऐसा है कि वो सरकार बनाने के नजदीक पहुंच कर भी सरकार नहीं बना पाती है, अपने लोगों को संभाल नहीं पाती है, और इसीलिए ये कोशिश है कि हिमाचल में ऐसा ना हो। और हिमाचल एक बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है, जैसा कि बॉस कह रहे थे कि कंसोलिडेशन प्राइस की तरह भी देख सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो अगर हिमाचल में जीत होती है तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा सहारा हो सकता है, सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि अगले साल जो 9 विधानसभाएं जो है जहां चुनाव होने वाले हैं। नहीं, ओवर टू यू। अभी अभिषेक, इससे पहले एक बात फिर हम हमारे दर्शकों को बोल दें कि 1985 से लेके अब तक कभी भी एक ही सरकार दोबारा पावर में नहीं आई है हिमाचल। बिल्कुल, तो ये 37 सालों की रिकॉर्ड अगर बीजेपी तोड़ दे तो ये बहुत बड़ी चीज होगी। मैं तो ये कहूंगा कि अगर बीजेपी आज सरकार बनने के करीब भी आ जाए तब भी बहुत बड़ी चीज होगी। बिल्कुल, हिमाचल बीजेपी 37 सालों की रिकॉर्ड है, क्योंकि एक और हिली स्टेट में उत्तराखंड में कर चुकी है। उत्तराखंड में भी यही सेम स्टैट्स थे, लेकिन पिछली बार उन्होंने ये तोड़ा है। आप देखिए ना, 1985 में वीरभद्र सिंह, 1990 में शांता कुमार, वीरभद्र सिंह धूमल, वीरभद्र सिंह धूमल, वीरभद्र सिंह जयराम ठाकुर, तो ये रहा है लिस्ट। लेकिन उत्तराखंड में भी ऐसे ही था पिछली बार तोड़ा, इसलिए बीजेपी ऑप्टिमिस्टिक है अभिषेक कि इस बार हिमाचल प्रदेश में भी एक और हिली स्टेट में कर पाएगी। इसी बात पे ऐश्वर्या फिर से वहीं रहते हैं, अमनदीप के पास कुछ जानकारी है क्योंकि हम हिमाचल की बात कर रहे हैं। अमनदीप, क्या जानकारी आपके पास है? कुछ भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हो रही है जिसके बारे में आप कुछ जानकारी दे रहे हैं।
जी बिल्कुल अभिषेक, लगभग 8 से 8:30 के बीच में एक ब्रेकफास्ट इनवाइट किया गया है सीएम के आवास पे, जयराम ठाकुर के आवास पे, और जिसमें मनोज मंगल पांडे सीनियर बीजेपी लीडर और विनोद तावड़े भी रहेंगे और डिस्कस करेंगे अभिषेक कि आखिरकार जो इंडिपेंडेंट जो बागी नेता थे जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया है उनका स्टेक कैसे डिसाइड करना है। ये सारी मीटिंग जो है 8 से 8:30 बजे ब्रेकफास्ट टेबल पे होगी और डिसाइड किया जाएगा कि आगे की रणनीति बीजेपी कैसे तय करेगी। ये हम कह सकते हैं कि ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी बीजेपी की। और इसी मुख्यमंत्री के आवास पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसी मुख्यमंत्री के आवास पे, जयराम ठाकुर के आवास पे ये मीटिंग शुरू होगी और ब्रेकफास्ट पे ये मीटिंग होगी। और अभिषेक, क्योंकि हिमाचल में सारा जो खेल है, जो गेम चेंजर है, वो सारे इंडिपेंडेंट्स हैं, लगभग 20 हैं बीजेपी के और 11 हैं कांग्रेस के, और उनमें से जितने भी जीतेंगे वही गेम चेंजर होंगे, और इसी वजह से ये ब्रेकफास्ट जो है वो रखा गया है इसी मीटिंग के लिए। एक तरफ कांग्रेस ने अपनी टीम डिप्लॉय कर दी है अपने एमएलएस को सेफ करने के लिए, कि यहां पर सुबह सुबह एक मंथन के लिए एक मीटिंग है, शिमला में स्लगफेस्ट बना हुआ है, यानी कि दोनों तरफ से खींचतान बनी हुई है ऐसा लग रहा है, लेकिन हेडलाइन तब होगी जब यहां पर कांग्रेस नहीं आती, अब बीजेपी फिर से सरकार बना ले, ये शिमला से बड़ी खबर होगी और उसके आसार लग रहे हैं इस वक्त, नतीजे आने शुरू होंगे ठीक 22 मिनट बाद। शिखा के पास जा रहे हैं, शिखा जरा बताइए दिल्ली में माहौल क्या है, अमित शाह स्ट्रैटेजिस्ट, चीफ स्ट्रैटेजिस्ट बीजेपी के, आप उनके घर पर मौजूद हैं और जाहिर है कि वहां पर भी शिमला और गुजरात को लेकर लगातार बैठकें हो रही होंगी। बिल्कुल सुचरिता, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, गृहमंत्री अमित शाह उनके रेजिडेंस के बाहर मैं हूं और इसलिए इंपॉर्टेंट है ये जगह क्योंकि देखिए रणनीतिकार वो कहे जाते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, और ताबड़तोड़ रैलियां उन्होंने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी आपको याद होगा जो सबसे लंबा रोड शो था, और इस बार अगर बीजेपी की बात करें तो देखिए बीजेपी कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है क्योंकि देखिए 2002 के बाद से यानी कि 27 साल हो चुके हैं बीजेपी गुजरात की सत्ता पर काबिज है, और इस बार अगर करती है बीजेपी दोबारा आती है तो आएगी जो 7 सालों का लेफ्ट का रिकॉर्ड है अगर पश्चिम बंगाल में देखें तो उसको भी बीजेपी तोड़ देगी, 7 बार लगातार जीतेगा, तो ये बड़ा रिकॉर्ड जो बीजेपी अपने नाम कर सकती है। तो इस बार देखा जाए तो हिमाचल कह लीजिए, यहां पर कह लीजिए, और जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वो भी बीजेपी के पक्ष में ही आ रहे हैं, भले ही 2002 से अगर हम देखें तो सीटें जरूर कम हुई है लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो ताबड़तोड़ बंपर जीत के आए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी जो देखिए जिस तरीके से एंट्री हुई है, कॉन्फिडेंस अरविंद केजरीवाल लगातार नजर आ रहे हैं, लेकिन यह देखना होगा कि राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी कितना कमाल कर पाती है और समीकरणों में कितना बदलाव हो पाता है क्योंकि स्ट्रेटजिस्ट जो होते हैं वो अमित शाह को कहा जाता है, और इसीलिए हम यहां पर मौजूद हैं, नजर रखे हुए हैं कि क्योंकि देखिए बैठकों का दौर जो है वो भी शुरू हो जाएगा, हो सकता है जो है वो भी यहां पर मिलने आए गृह मंत्री अमित शाह से, नजर हम लगातार बनाए हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ा दिन है आज। मैं सिर्फ एक सवाल इधर दीपक भाई को पूछना चाहता हूं कि दीपक भाई 2017 और 2022 में गुजरात के चुनावों में बीजेपी की स्ट्रेटेजी अलग किस तरह से रही है? सिर्फ लोग, मुझे लग रहा है दिल्ली की जो मीडिया है ना, ये आम आदमी पार्टी को लेके ये ऑब्सेस हो गई है, इनको लगा है कि इनके कंधों में ही आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार बना ले तो बच जाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसके अलावा बीजेपी की स्ट्रेटेजी को कुछ अलग आपने उनको पाया, क्योंकि मैं जब अमित शाह जी को मिला तो उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली मुझे कहा कि हम 50% वोट हमें मिलेगा, तो आपको बीजेपी के स्ट्रेटेजी में कोई डिफरेंस दिखी इस बार? बीजेपी इस टाइम बहुत ही एग्रेसिवली अर्नब गए हैं वहां पे, खास करके उनको लगा था कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी की असर पड़ेगी तो उसको कैसे अच्छी तरह से कवर किया जाए, और क्रेडिट देता हूँ वन एंड ओनली आर्मी नरेंद्र मोदी जी और उसके बाद उन्हीं के नाम पे इलेक्शन, उन्हीं के नाम पे कोई मुख्यमंत्री का नाम, आपके चैनल पे, आपके चैनल पे बोला कि मैंने 2-3 वोटर्स को पूछा कि आप किसको वोट करने गए हैं, तो बोला हमने कैंडिडेट को नहीं देखा है, हमने सिर्फ देखा है तो नरेंद्र भाई को देख के वोट दिया है। ये देखिए, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। अभिषेक जी देखिए, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। एक बात और बोलो, मोरबी जैसा कांड होने के बाद भी अब गुजरात में जीतिए, हम बधाई देंगे आपको, दिल्ली हमारा गढ़ है, हम जीत गए। देखिए एक और बात, रतन छाड़ मोदी जी के कारण केवल मोरबी जैसी दुर्घटना के बावजूद बीजेपी जीत रही है, कितना बड़ा ट्रिब्यूट है। और कोई अगर राज्य होता तो मोरबी जैसी दुर्घटना के बाद वो पार्टी साफ हो जाती। दीपक भाई राजकोट से बताएंगे कि मोरबी भी शायद जीत रहे हैं, बीजेपी इज हार्ड ऑन द ग्राउंड। मोरबी में भी बीजेपी के लिए काफी अच्छा गेन है क्योंकि वहां पे बीजेपी ने क्या किया कि
जो पुराना एमएलए थे कांतिबाई अमरुतिया उसको टिकट दे दिया और जो जो अभी के जो एमएलए थे उसको ड्रॉप कर दिया, तो लोगों को मैं एक मैसेज गया कि पुराने एमएलए को ड्रॉप किया और वापस वाले एमएलए को टिकट दिया। तो बीजेपी के पास जो स्ट्रैटेजी है ना अर्धव, वो देखने जैसी, वो एकदम उसको पता चल जाता है कि यहाँ नुकसान हो रहा है तो तुरंत वो अपनी रणनीति चेंज कर देती है और जो जो हरीफ लोग होते हैं वो पीछे रहते हैं। जो प्रत्याशी है नदी से लोगों को बचाया था बीजेपी इज द ओनली 24/7 पॉलिटिकल पार्टी। वापस लेके आए थे आप लोग, मुझे बताइए कौन सी पार्टी है बीजेपी इधर 24/7 पॉलिटिक्स करती है? एक पार्टी बताइए। मुझे यही समझ में आता है, एडवांस मीटिंग चलती है, एडवांस प्रोग्राम, हर लोग एनालिसिस करते हैं त्रिकोणा इलेक्शन। मुझे लगता है ज्यादा फोकस हो गया है त्रिकोणा इलेक्शन पे। ये इलेक्शन त्रिकोणा कैसे नहीं है? अगर 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 नंबर टू पार्टी को 25% वोट नहीं आए और नंबर वन पार्टी को 45 से ज्यादा मिले तो भैया मुझे बताइए त्रिकोणा कैसे हो गया? आप पूछ लीजिए इधर, हमारे जितने इधर है हमारे के शहजाद को पूछिए, ये त्रिकोणा इलेक्शन क्या चल रहा है शहजाद? ये मुझे लगता है गुजरात में कैसे त्रिकोणा है? त्रिकोणा मतलब कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हो जाए तो आप बोलेंगे कि चार कौन है, ऐसा तो नहीं होता ना शहजाद? अर्नब आपका ऑडियो बहुत ज्यादा खराब है तो मैं कोशिश करता हूँ बात रखने की, जितनी भी बातें मुझे समझ में आई आपके स्टूडियो से। देखिए अर्नब, आज इतिहास बनने भी वाला है और इतिहास टूटने भी वाला है। गुजरात में इतिहास बनने वाला है और हिमाचल में इतिहास टूटने वाला है। जो इतिहास रहा है, रिवाज रहा है, वो टूटने वाला है और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि गुजरात में और हिमाचल में एक पॉलिटिक्स ऑफ प्रो इनकम्बेंसी शुरू हो चुकी है। ये प्रो इनकम्बेंसी शब्द 2014 से पहले किसी ने सुना नहीं था, ये 2014 के बाद पॉलिटिकल लिंगो में प्रो इनकम्बेंसी शब्द आया है। और ये पॉलिटिक्स ऑफ प्रो इनकम्बेंसी, पॉलिटिक्स ऑफ विश्वास एंड विश्वसनीयता एंड विकास, यही कारण है जिसकी वजह से गुजरात में 27 वर्ष बाद भी भारतीय जनता पार्टी इतनी आगे है और हिमाचल। मगर हिमाचल में क्या लगता है आपको? हिमाचल में शहजाद एप्पल भी नहीं मिलेगी। हिमाचल में क्या होने वाला है आज? क्योंकि हिमाचल में स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। आप इसको लिख कर रखिए, रिकॉर्ड बनाया जा रहा है गुजरात में। शहजाद एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, नंबर्स को लेके एक चीज ऐड करना चाहता हूँ शहजाद, इस पर ध्यान दे, इस पर ध्यान दे। मैंने एनालिसिस की है 1977 के इलेक्शन से लेके 2017 के इलेक्शन तक। अभिषेक जी, दो चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। जब भी कोई पार्टी 40% से ज्यादा वोट उनको मिल जाता है तो वो सरकार बना लेती है। बिल्कुल। अब पिछली बार 49.2% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, यानी कि अगर 7.5% वोटर निकल जाए तब भी बीजेपी की सरकार ही बनी है। और इसके में इसको आप अगर कहेंगे कि मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 1998 में 53.5% वोट मिले थे कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने उनको 31 सीट मिले। 2003 में 41% वोट मिली थी और उनको 43 सीट्स। 2012 में अर्नब, अगर आप देखें 2012 में 42% के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी 36 सीट लेके तो और कांग्रेस को 26 सीटें मिली थी। जबकि आप देखें वोट शेयर में दोनों के बीच में सिर्फ 3% की डिफरेंस थी। यानी कि कभी भी कोई भी पार्टी हिमाचल में बीजेपी हो या कांग्रेस हो सरकार बना सकती, उनको 40% वोट मिल जाए तो वो सरकार बन रही है। अब आप मुझे बताइए क्या आपको लगता है, और जितने दर्शकों को यह पूछा जाए, क्या आपको लगता है कि इतना एंटी बीजेपी फीलिंग है हिमाचल में? देखिए आप कह रहे इतना है कि 9% नेगेटिव वोट होगा। आपको बोल रहा हूं एप्पल फार्मर्स इतने नाराज है, एप्पल पैकेजिंग जो, फिर मैं मान गया आपकी बात। जीएसटी 18% से आप तो थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है, वहां पे क्या-क्या इश्यूज होता है? पहाड़ पे रिमोट विलेजेस है, चार घरों का एक गांव है, वहां पे बिजली पहुंची नहीं पहुंची, पानी पहुंचा नहीं पहुंचा, वहां पे लास्ट मैन काडर बेस्ड पार्टी है, ध्यान रखिएगा बीजेपी काडर जाके काम करता है, वहां पे खाना जा रहा है नहीं जा रहा है, ये सारी चीजें मैटर करती है बहुत ज्यादा। और वहां
कांग्रेस ने इस बार एक अच्छा काम किया है कि राहुल गांधी को नहीं बुलाया है। सुबह मैं कन्फेशन दे दूं, क्या काश आम आदमी पार्टी वहां भी हमारे पास, अगर इन्होंने हम पे हमला नहीं की थी एमसीडी और गुजरात की। आम आदमी पार्टी तो है ही नहीं हिमाचल में, आप अपने आप को फिर जाते हैं। आम आदमी पार्टी तो है ही नहीं, हम सरकारी आम आदमी पार्टी तो है ही नहीं। शहजाद कुछ कह रहे हैं, विक्टिम वुड कार्ड यार शोभा देता है। रतन जी आ रहे हैं, शहजाद कुछ, शहजाद इज काउंटरिंग यू सर, सर शांति से सर। देखिए शहजाद हिमाचल में जीतने वाले थे अर्नब, रिमोट कार्ड सर आ रहे हैं। अर्नब देयर इज लॉट ऑफ ऑडियो डिस्टर्बेंस, तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी बात रखने की। अर्नब कुछ चैनल्स जो है आपको पता है हमेशा अपने आप को सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी मोड में होते हैं, हम नंबर वन है, हम नंबर वन है। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने उस चैनल का स्ट्रेटेजी अपना लिया है, हम नेशनल पार्टी है, हम नेशनल, कोई और बोले ना बोले, हम अपने सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी नेशनल पार्टी बना क्या है। एक मेयर शायद बनेगा पर उससे पहले ही हम नेशनल पार्टी है। नहीं नहीं ये देखिए अगले रिपोर्टर के पास जाते हैं, एक मिनट रवि जी अगले रिपोर्टर के पास जाते हैं सुहेल, और हमारे साथ बिल्कुल पूरी टीम हमारे साथ है, सुमित मौजूद है काउंटिंग सेंटर पर, सुमित के पास जाएंगे। सुमित जरा जल्दी से तस्वीरें दिखाइए, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। नहीं कोई एक बार अभी डायरेक्ट जाएंगे 8 बजे तक प्लीज। ओके जी बोलिए सुमित, जरा कैमरा पैन करके दिखाइए। अब बिल्कुल बिल्कुल सोहेल, हम तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाते हैं क्योंकि अभी 14 से 15 मिनट का जो है वक्त यहाँ पर रह गया, और आप देखिए यहाँ पर मेरे सहयोगी जरा ऊपर उठा के जरा तस्वीरें यहाँ पर दिखाइए मनीष, कि कैसे पूरी तरीके से हलचल बढ़ गई है, और कुछ ही देर के बाद जो है नतीजे यहाँ पर रुझानों के तौर पर निकलने सामने शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि सबसे बड़ी टीम जो है हमारी ग्राउंड जीरो पर है, और ये देखिए जो तमाम ऑफिशियल्स हैं वो कैसे एक के बाद एक यहाँ पर पहुंचे, तमाम गाड़ियां अंदर जो है वो पहुंच चुकी हैं, और उसके बाद सबसे पहला रुझान जो है वो रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ा पैनल्स जो है, तमाम पैनल्स जो है इस वक्त स्टूडियो मौजूद है वहां से, और ग्राउंड जीरो से सबसे पहला रुझान रिपब्लिक भारत पर। बने रहिए सबसे तेज नतीजों के लिए, हिमाचल और गुजरात के तमाम रुझान जो है रिपब्लिक भारत पर। आप देखिए रुझान आएंगे आपके स्क्रीन पर, 11 मिनट बचे हैं, बस 11 मिनट बाद हम आपको वो रुझान दिखाने शुरू कर देंगे। एक बार सृष्टि के पास, जब तक रिजल्ट जाएंगे हम ब्रेकलेस जाएंगे, सारे दर्शकों को बता दें कि भाई अभी हमारे लिए सबसे जरूरी है रुझान नंबर वन, न्यूज नंबर वन। अगले 10 मिनट तक आप रिपोर्टर के साथ रहे, हम ब्रेक बाद में लेंगे। सुचरिता कंटिन्यू करिए। सृष्टि के पास चले जाते हैं, सृष्टि गुजरात में, और सृष्टि काफी समय से गुजरात में है, उन्होंने वोटर्स का मन भी टटोला है, सीआर पाटिल के घर पर है वो, और सीआर पाटिल के घर पर है, लेकिन इस वक्त वहां गुजरात में सीआर पाटिल बीजेपी अध्यक्ष है गुजरात के, लेकिन वहां पर जरा बताइए सृष्टि आज सुबह से किस तरह की स्पेकुलेशन है। सारे एग्जिट पोल्स हमारा पी मार्क का दिखा रहा है कि 128 से 148 उन्हें सीटें मिल सकती है, ये अब तक का रिकॉर्ड होगा बीजेपी का, और एक अपवर्ड स्विंग होगा पिछली बार की 99 सीटों के बाद। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा, और जो गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं सीआर पाटिल, उनके आवास के बाहर हम मौजूद हैं, और कुछ ही देर के बाद माना जा रहा है कि 9:30 से 10 के बीच में यहां से रवाना होंगे और पार्टी दफ्तर जाएंगे। लेकिन जैसा आपने कहा कि एग्जिट पोल्स जो लगातार हमारे भी बता रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो इस बात का दावा कर ही रही है, लेकिन जब आप जनता के बीच में गए, जैसा आपने कहा कि गुजरात के चप्पे चप्पे पर रिपब्लिक भारत की टीम्स रही, और लगातार हर एक समीकरण हर सीट का हमने बताने और समझाने की कोशिश की, तो यहां की जनता ने ये नारे लगाए कि 150 के पार, यानी कि जनता यहां के पोल्स बता रही है, वोटिंग से पहले ही यहां के लोग इतने ज्यादा उत्साहित थे, और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी के चेहरे का एक बड़ा फैक्टर गुजरात में रहा है, लेकिन जो नेशनल मुद्दे रहे हैं वो पीछे नहीं रहे। राम मंदिर का मुद्दा यहां पर बहुत ज्यादा उठा, यहां की जनता ने राम मंदिर का जिक्र किया, हिंदुत्व का जिक्र किया, राष्ट्रवाद का जिक्र किया, और कहा कि देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, जो देश हित के लिए काम करता है हम वोट उसको देते हैं। बिल्कुल सृष्टि, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन चूंकि देखिए अब सिर्फ 10 मिनट का वक्त और बाकी रह गया है, घड़ी सुइयां लगातार टिक टिक कर रही है, आगे बढ़ती जा रही है, और तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी धुकधुकी जो है वो बढ़ती जा रही है। एक बार सलोनी का मैं रुक करूंगी, क्योंकि वो वहां पर गुजरात में इस वक्त बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं, और सलोनी आप दिखा रहे थे कि शामियाने वहां पर सजे हुए हैं, वहां पर एलईडी लगाई गई है, बाकायदा जो तैयारी है वो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ कैंपिंग भी हो रही है, चाहे उधर गुजरात में बात करें चाहे इधर दिल्ली में बात करें, तो वहां जरा आप तस्वीरें दिखाएं और क्या कुछ चल रहा है इस वक्त अभी वहां पर।
बिल्कुल हिमानी, हम तस्वीरों के जरिए ही बताते हैं दर्शकों का कि यहाँ पर जो गांधीनगर का श्री कमलम है बीजेपी दफ्तर, वहाँ की क्या हालात है। देखिए शामियाना, हमने पहले ही दिखाया था किस तरह से भगवा रंग में पूरा ये बीजेपी दफ्तर रंगा नजर आ रहा है। और बड़ी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो चेहरे, जिसने भी रिपब्लिक से बात की, चाहे जेपी नड्डा ने बात की, चाहे अमित शाह ने बात की, स्मृति ईरानी ने बात की, तमाम जो स्टार प्रचारक थे जो पहुंचे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों के बीच पहुंचते नजर आए, जनसंपर्क करते नजर आए। दावा यह है कि मैसिव जीत होगी, यानी रिकॉर्ड ब्रेक होगा जीत का। यह भी दावा किया गया बीजेपी लीडर की तरफ से कि रिकॉर्ड ब्रेक होगा हार का कांग्रेस का। इस तरह के दावों के बीच आज तस्वीर साफ होगी। और 27 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है, 27 साल में एक बच्चा बड़ा हो जाता है। सोचिए जब वो छोटा था कि मुद्दे तो थे ही नहीं, आप खुद ग्राउंड पर मौजूद हैं, मैं भी जब खुद वहां पर ग्राउंड पर आई थी वहां पर पर्सनालिटी ज्यादा नजर आ रही थी, पर्सनालिटी वहां पर ज्यादा नजर आ रही थी। और वो फैक्टर जिसकी बात हम लगातार बार-बार कर रहे हैं, बार-बार कर रहे हैं, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन सुजाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक बार सुजाता का हम रुख कर लेते हैं। अभी है भी नहीं। बिल्कुल सुजाता के पास हम जाएंगे सुचरिता, लेकिन आप देख रहे हैं सलोनी है, शिखा है, हर्षा वहां पे है, हर्षा है हर्षांगी के घर पे। हर्षा, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है, आप गुजरात के गृह मंत्री हर्षांगी के घर के बाहर वहां पे खड़ी हुई है इस समय। हर्षा जरा बताइए भाई, युवा नेता है, डायरेक्टली केंद्रीय मंत्रियों के साथ, अमित शाह के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं, वहां पे क्या अभी माहौल है बताया जा रहा है? बिल्कुल भूपेंद्र भाई के यहाँ जाने वाले हैं हर्ष अभी सुबह सुबह। हर्षा ऑडियो प्लीज। फिलहाल की बात करें तो फिलहाल अभी यहाँ की मूवमेंट नजर नहीं आ रही, क्योंकि जितनी हमारी अभी इनकी सिक्योरिटी से बात हुई है, हमें यही बताया गया कि ओके हर्षा वापस आ रहे हैं आपके पास, हर्षा वापस आएंगे आपके पास। सीधा चलते हैं हिमाचल सुजाता के पास। सुजाता वहां पे एक बैठक बुलाई है 8:30 बजे, इस समय क्या माहौल है? हमें वो बंद दरवाजा तो दिख रहा है, लेकिन जरा कैमरा अगर आप 360 डिग्री घुमा के जरा दिखा दे क्या माहौल है शिमला में, स्नोफॉल तो पड़ नहीं रही है। जी 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 आशर, स्नोफॉल तो नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए अभी ये गेट बंद है और भरोसा तो जता रही है बीजेपी कि हम जीत सकते हैं। जरा हम सीएम आवास को दिखाएंगे, क्योंकि हम यहाँ इंतजार हो रहा है, मंगल पांडे और जो विनोद तावड़े हैं वो यहाँ पर आएंगे और ब्रेकफास्ट पर चर्चा होगी कि हमें भरोसा तो है कि हम सरकार बना लेंगे, लेकिन अगर कहीं मामला अटक जाता है थोड़ा आसपास भी तो फिर क्या करना है? खासतौर पर जो उनके पार्टी के बागी लोग हैं, वो जो अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको किस तरह से फिर लाने की कोशिश करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो ये फॉरवर्ड स्ट्रेटजी के लिए ये बैठक बुलाई गई है। इस तरह की पूरी संभावना नजर आती है कि क्यों, क्योंकि अगर मामला फंसता है तो ऐसा नहीं होगा कि फिर बाद में हम सोचेंगे कि किसके साथ क्या बात करनी है, तो इसलिए पूरी तैयारी है। बस अब कुछ ही मिनट बचे हैं, जो रुझान है वो भी आने लगेंगे और 11 बजे तक तो स्थिति स्पष्ट ही हो जाएगी, लेकिन यहां इंतजार अभी हो रहा है मंगल पांडे और विनोद तावड़े का, जो यहां पर आएंगे, सीएम उनके साथ बैठक करेंगे और फिर रणनीति पर चर्चा होगी कि क्या होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने यही दावा किया कि इस बार रिवाज बदलेगा, सरकार नहीं बदलेगी, सरकार वही रहेगी। और बार बार ये कहा कि हमने तमाम काम किए हैं और जो उनका वादा है, संकल्प पत्र जो है, उसमें महिलाओं पर खास तौर पर जोर दिया है। और मैं भी जब यहाँ पर रही हूँ तो महिलाओं में खासा हमने देखा है, बहुत ही पॉजिटिव है महिलाएं बीजेपी सरकार के लिए। बीजेपी ने जिस तरह की सुविधाएं वर्तमान सरकार ने दी है, जयराम ठाकुर ने दी है, उससे वो बहुत संतुष्ट नजर आई है। और अगली बार के लिए भी बहुत सारे वादे खासतौर पर महिलाओं के लिए, 25% जो रिजर्वेशन है सरकारी नौकरियों में, इन तरह की सारी बातें कही गई है। तो इन सब चीजों, 5 राज्यों के 6 विधानसभा सीटों के भी आज नतीजे आने और एक मैनपुरी लोकसभा सीट का भी नतीजा आना है, तो वो भी उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है हिमाचल और गुजरात के साथ साथ। और इसीलिए लोमस के पास भी जाएंगे और साथ ही विवेक शुक्ला, क्योंकि वो सफाई में है और अखिलेश यादव वहीं पर मौजूद है, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन अभी मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूं। जब तक वो थ्रू हो उससे पहले श्रवण के पास एक बार चलते, श्रवण को हम देख पा रहे हैं गुजरात में, श्रवण मौजूद है। श्रवण बताइए, जिस तरह से देखा हमने गुजरात में, इस बार बीजेपी एक बड़ी बंपर जीत के साथ वापस आ रही है और सबसे बड़ी बात जो बार बार कही जा रही है कि वोटर घर से निकला ये सोचकर कि नरेंद्र मोदी को वापस लाना है गुजरात में। सुचारिता, सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, क्योंकि अगर एक बात बीजेपी के कहे तो कैंपेनिंग हटके होती है और साथ ही साथ रिजल्ट के दिन भी उनके काफी अलग स्टाइल से वो सेलिब्रेट करने की कोशिश कर। कांग्रेस की हेडक्वार्टर्स कुछ ही दूरी में है, पर वहां पे एकदम कुछ हलचल नहीं है। पर यहाँ देखिए, ठीक कमलम के बाहर यहाँ पे स्टैंड लगाया गया है, बीजेपी के कार्यकर्ता ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। देखिए अभी तक रुझान आए नहीं है, इसके बावजूद आप जिस तरह से पूरी तरह से
यहाँ पे लगे हुए हैं, एक बार सवाल भी उनसे कर लेते हैं। आप पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है सेलिब्रेशन की? जीत की पूरी तैयारी है, पूरी तरह से, पूरी एकदम कॉन्फिडेंट से, एकदम कॉन्फिडेंट। कितने लोग आएंगे आज? कम से कम काफी तादाद में हो गए, पूरा पूरा भर जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से तैयारी की गई है, और इसके पीछे कारण यही है कि जब मतदान से पहले भी बीजेपी की अलग स्टाइल से वो हर वोटर के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता से उनसे बात की करे तो वो कहते हैं कि इस बार लड़ाई सिर्फ मार्जिन की बात है, सिर्फ मार्जिन को लेकर बातचीत हो रही है। वो कह रहे हैं कि ये पहले बार चवन बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जो इस वक्त बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पहली ब्रेकिंग न्यूज ये है जो कि आ रही है हिमाचल से। कांग्रेस पार्टी हिमाचल में एक बड़ी बैठक करने वाली है, सुबह नाश्ते पर यह बैठक होने वाली है। दूसरी तरफ बीजेपी गुजरात में तैयारी लगभग शुरू करने वाली है, शपथ ग्रहण के एग्जिट पोल रिफ्लेक्ट कर रहे थे। सुचारिता, बड़ी खबर यह भी है कि बीजेपी के दो बड़े नेता विनोद तावड़े, मंगल पांडे इस वक्त शिमला में कैंप कर रहे हैं, यानी बीजेपी खेमे में इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वो वापस सरकार बना सकती है, और इसीलिए दो बड़े नेता इस वक्त वहां पर शिमला में मौजूद हैं। उनको लग रहा है कि अगर 50-50 हो जाए तो फिर कैसे सरकार बनाई जाए, मतलब दोनों खेमे के जो बड़े नेता हैं पहुंच चुके हैं शिमला। जी आगे चलिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताएं कि कांग्रेस में गुजरात से खबर है ये कि भरत सोलंकी, जगदीश ठाकुर, अमित चावड़ा, अर्जुन मोडवाडिया, उनके सुपुत्र लड़ रहे चुनाव, ये लगातार बातचीत कर रहे हैं कैंडिडेट्स को लेकर, और ये क्लेम कर रहे हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी कि वो कोशिश कर रहे हैं एमएलए से बातचीत। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैं कह रहा हूं बीजेपी तो ओपनली सरकार बनाने वाली है आराम से, मगर कांग्रेस में इनसिक्योरिटी देखिए, क्योंकि अहमद पटेल जब तक थे तो पार्टी का है कि नहीं दीपक भाई, जब तक अहमद पटेल थे कोई स्ट्रेटेजी थी, कोई पार्टी को एक साथ रखता था, अभी तो लग रहा है पार्टी टूट चुकी है रिजल्ट से। अहमद भाई नहीं है तो रणनीति कौन बनाएगा, और जो वहां के लोकल लीडर्स है तो वो खुद चुनाव नहीं जीत पाते हैं। ये आपकी बात बहुत इम्पोर्टेंट, लोकल लीडर्स खुद नहीं जीत पाते हैं। अर्जुन भाई जो है पोरबंदर गांधी जी का जो बर्थ प्लेस है, वहां से दो बार चुनाव हार फिर से उन्होंने हार दिया। हाँ, उसने वापस वो लड़ रहे हैं अभी, इस टाइम बोल रहे हैं ट्रेंड ऐसा है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन वहां के लोकल लीडर्स चुनाव जीत नहीं पाते हैं तो रणनीति क्या हथियार करेंगे, और वहां पे इनफाइटिंग इतनी है ना अर्नब की बात ही जाने दो। जी और जैसा एक ये कहा जा रहा है कांग्रेस के लिए दो नेता, उन्होंने अपना पूरा एक कैंप हिमाचल में इसलिए खड़ा कर लिया क्योंकि वहां कांटे की टक्कर दिख रही है उन्हें। अब उन्हें लग रहा है अगर वहां सरकार बनाती हमें दिख रही है तो हम पूरी जान लगा दें। रिजल्ट आने वाले हैं, मुझे लगता है राजीव शुक्ला सबको हार दिया है। दो मिनट बाकी बैलेट जो पोस्टिंग होती है वो शुरू होने वाली है, लगा लीजिए 8:30 बजे ईवीएम शुरू हो जाएगा। और हमारी जो टीम है वो ग्राउंड पे है और सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन है, तो हमें नंबर तो जल्दी मिनटों में मिलना शुरू होगा, मतलब ट्रेंड। और इस बार एक स्पेशल चीज करी अपने दर्शकों के लिए अर्नब, वो बताना जरूरी है कि एक तो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े आएंगे जो थोड़ा स्लो आते हैं, दूसरा हमारा जो एक टाई अप है उनके साथ आएंगे, तीसरा हमने जो गुजरात में हिमाचल में अपने लोगों को रखा है काउंटिंग सेंटर्स, वो हमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देंगे, सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट, मतलब जैसे जैसे ग्राउंड रिपोर्टर आपको इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको तो कोई रिसर्च ग्रुप ग्राउंड रिपोर्टर से पास नहीं हो सकता। जैसे काउंटिंग हो रही है वो वहां खड़ा है वो देखेगा, 100 वोट ऊपर 100 वोट नीचे भी मिलेंगे हमको, राउंड से पहले की काउंटिंग के बारे में पता चले। बिल्कुल फैंटास्टिक। दो जो बड़ी खबर जो बताई सुचारिता ने कि अगर कांग्रेस हिमाचल में भी एक्टिव है गुजरात में भी हो गई, दूसरी खबर ये मिल रही है कि भूपेंद्र भाई पटेल 11 बजे बीजेपी ऑफिस जाने वाले। अच्छा, मतलब उनको लगता है तब तक ट्रेंड बिल्कुल सॉलिड हो जाएंगे। उसके बिल्कुल ये जो कि वो कॉन्फिडेंट है ना भाई, ग्राउंड पे क्या हो रहा है भाई, ग्राउंड पे जाइए, काउंटिंग सेंटर पे जाइए, आप फील्ड पे जाइए, बिल्कुल पूरी टीम है भाई। हर्षा है, शिखा है, सुमित है, सुजाता है, सृष्टि है, सब दिख रहा है। सुमित के पास चलते हैं। सुमित, ओवर टू यू, क्या माहौल है सुमित, फटाफट बताइए सुमित। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्य, जो है इंतजार लगभग खत्म यहाँ पर होने वाला है और पूरी तरीके से काउंटिंग की जो है वो यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। तमाम ऑफिशियल्स बोले मनी तरह से फटाफट तस्वीरें यहाँ पर दिखाइए क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैदी जो है साफ तौर पर नजर आ रही है और कुछ देर के बाद कार्यकर्ताओं के पहुंचने की शुरुआत है वो यहाँ पर हो जाएगी और साथ ही साथ सबसे पहला रुझान अभी कुछ ही मिनटों के बाद सामने आने वाला है। और अभिषेक, पोस्टल बैलेट के
काउंटिंग शुरू हो गई है और दर्शकों को अगले 5 से 10 मिनट के अंदर ऐश्वर्या मैं समझता हूँ जो हमारे सोर्सेज हैं 3 से 4 मिनट मैक्सिमम 3 से 4 मिनट बहुत होगा तो 5 मिनट माहिती देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल जैसा आपने बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। बड़ी खबर इस बीच दर्शकों को बता दे डाक मत पत्रों की गिनती शुरू हो गई है 30 मिनट बिल्कुल आधे घंटे बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी गुजरात में और हिमाचल में। सुचरिता बिल्कुल पहले पोस्टल बैलेट खुलेंगे जैसा सोहेल बता रहे हैं और उसके बाद ईवीएम खुल जाएंगे और फिर आप एक्सपेक्ट करिए कि बहुत जल्दी जल्दी नतीजे आपके स्क्रीन पर होंगे रुझान होंगे और उसके बाद वही रुझान नतीजों में तब्दील होते जाएंगे। फिर से बता देते हैं अपने दर्शकों को 182 सीटें गुजरात की गुजरात ने अपनी सरकार चुन ली है वही 68 शुरू हो गई है ब्रेकिंग न्यूज किसी भी क्षण आपके पास पहले ट्रेन आने लगेंगे जैसा कि हम आपको बता रहे हैं पहले खुलेंगे बैलेट पेपर तो बैलेट पेपर के जो ट्रेन होते हैं थोड़े स्लो होते हैं लेकिन जैसे अभी आपको अभिषेक बता रहे थे हर एक काउंटिंग सेंटर में हमारे लोग हैं हम सिर्फ और सिर्फ इन एजेंसीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है हमारी हमारी खुद के लोग हैं जो हमको सेकंड बाय सेकंड मगर हमारे पास इलेक्शन कमीशन के भी नंबर आएंगे सारे हमारे पास सी वोटर के नंबर भी है हमारी एजेंसी के लोग हैं इलेक्शन कमीशन का नंबर है मगर हमारा अपना नंबर है मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमारे अपने लोग संगीत रागी जी आज ग्राउंड पे चप्पे चप्पे पे 250 ज्यादा कंस्टिट्यूएंसीज में हर एक काउंटिंग सेंटर के पास हमारे लोग हैं और हमारे डेटा सेंटर में फोन कॉल्स आते हैं वहां पे कोलेट किया जाता है और सेकंड्स के अंदर मिनट के अंदर जितना हमारी कोशिश होती है वैसे हम कोई रेस में नहीं है इसको लेके हमारी कोशिश होती है कि पहले रुझान एक तस्वीर रिपब्लिक नेटवर्क पर होने चाहिए और हमारा रिकॉर्ड रहा है हमारा पूरा रिकॉर्ड रहा है पिछले 3-4 चुनाव आप देख ले तो रिकॉर्ड रहा है कि पहले 1 घंटे के सबसे ज्यादा रुझान हमारे पास आते हैं हमारे पास हाफवे मार्क के नंबर पहले आते हैं और उसके बाद हम प्रेडिक्शन कर देते हैं सुचरिता उसके बाद हम प्रेडिक्शन कर देते हैं कि इलेक्शन किस तरफ जा रहा है। इसके साथ साथ मैं दर्शकों को यह भी कह दूं कि जितने गुजरात के जितने रीजन्स हैं जितने रीजन्स हैं सौराष्ट्र कच्छ नॉर्थ गुजरात दक्षिण गुजरात सेंट्रल गुजरात मध्यवर्ती गुजरात जहां पे आपके पास अलग अलग सीट है और हर रीजन की एनालिसिस अलग से होगी ताकि जो टोटल 182 सीट है गुजरात में 4 रीजन्स में सारे ज्योग्राफिकल एरियाज को लेकर और सारे डिस्ट्रिक्ट में मैं ये भी कह दूं आज अमरेली में बोटाड में द्वारका में गिर सोमनाथ में हमारे बहुत लोग हैं गिर सोमनाथ में जामनगर में जूनागढ़ में हमारी पूरी बेस है जूनागढ़ में हमारी पूरी बेस है और पहले आ गए हमारे पास पहले हम गुजरात दिखा रहे हैं और अब टाइम देख लीजिए 8:02 हो रहे हैं सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं बीजेपी के हमारे पास रुझान आ रहे हैं सबसे पहले बीजेपी दो और ये 2 सीट है मोरबी और टंकारा से। अभिषेक अगर आप बताएं इसके बारे में हिमाचल का मोरबी और टंकारा जी का बताता हूं जी हिमाचल के में एक बीजेपी का रुझान आ रहा है वो चुरा सीट से आ रहा है और एक कांग्रेस का आ रहा है वो नूरपुर से आ रहा है नूरपुर चुरा और नूरपुर है ये हिमाचल 2 सीट बीजेपी वन वन लेकिन मैं गुजरात का दोबारा बता दूं गुजरात का मोरबी और टंकारा गुजरात इज फर्स्ट अभिषेक मोरबी और टंकारा समझ सकते हैं मोरबी अभी खबरों में था अपने वो ब्रिज के कोलैप्स के कारण और वहां से भारतीय जनता पार्टी को लीड मिल रही है यानी जो बीजेपी ने निर्णय लिया कि कांति अमृतिया को वापस लाना है ब्रिजेश मेहरजा को हटा जी कांग्रेस है कांग्रेस वाव वाव के बारे में बताइए वाव के बारे में बताइए अभिषेक वाव जो है कांग्रेस बनासकांठा की सीट है ऐश्वर्या और जो रेगिस्तान का इलाका लगता है उस तरह से वहां पे आता है और मेरे ख्याल से कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है शायद इसलिए दिख रहा है कि कांग्रेस वहां पे लीड बनाती दिख रही है जी बिल्कुल और मैं एक बार और बता दूं वाव ऐश्वर्या एक बार बताइए एक मिनट तीसरा रुझान जो गुजरात से आया जो कांग्रेस के लिए कहां से वाव में शंकर चौधरी हैं किसी जमाने में वो कांग्रेस का गढ़ होता था पर शंकर चौधरी हैं बहुत बड़े कोऑपरेटिव्स के नेता हैं इस समय गुजरात के मंत्री रह चुके हैं इनिशियल ट्रेंड्स हैं ये बैलेट पेपर्स वाले जी समझ लीजिए वो जीतेंगे 4 हो गया बीजेपी मोरबी टंकारा राजकोट पूर्व और जसदान राजकोट पूर्व के बारे में बताइए अभिषेक राजकोट ऐश्वर्या विजय रूपानी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है राजकोट पूर्व जी और उसमें स्वाभाविक है बीजेपी का गढ़ है पूरा राजकोट चारों सीट और उसमें बीजेपी जीतना इसलिए शायद लीड दिख रही है आपने दूसरी कौन सी सीट कही राजकोट और वो जसदन राजकोट जसदन कुंवर जी बावलिया की सीट है कुंवर जी बावलिया अपने आप में बड़े नेता हैं पहले कांग्रेस में होते थे फिर भारतीय जनता पार्टी में आए मंत्री रहे हैं लोकसभा सांसद रहे हैं तो स्वाभाविक है जसदन ये कुंवर जी बावलिया के हिसाब से सीट है मेरे ख्याल से अभी वहां दीपक चले गए हैं तो इसलिए शायद वहां पे आप देख रहे हैं कि
बीजेपी को लीड दिख रही है, कांग्रेस दो हो गया, नहीं कांग्रेस दो हो गया, सोहेल सोहेल 5-2 देख रहे हैं आप, बीजेपी 5 सीट पर आगे, 2 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, जो शुरुआती रुझान हिमाचल में भी 2 ट्रेंड्स आ गए, एक कांग्रेस एक बीजेपी, यानी कि जैसा कि सोचा जा रहा था अभी शुरुआती रुझान में भी कांटे की टक्कर है, एक बीजेपी एक कांग्रेस के खाता खुल गया हिमाचल का भी, 5 बीजेपी कांग्रेस 2, ये गुजरात की 7 ट्रेंड्स इस वक्त हमारे स्क्रीन पर है जो सामने नजर आ रहा है, 5 बीजेपी के खाते में जा रहे हैं, 2 कांग्रेस के, कांग्रेस की 2 है वो वाव है दाता है, मैं समझ रहा हूँ आपने बताया सुचरिता जी, दाता जो है वो सीट है जहां पे अम्बा जी माँ का मंदिर है, शक्तिपीठ है और आदिवासी इलाका है, वहां पे कांग्रेस को लीड मिलना शुरू में स्वाभाविक है, पर हालांकि ये सीट बदलती रहती है जी। आज की तारीख में मैं जैसे देख रहा हूं मोरबी आपने बताया, ऐश्वर्या टनकारा आपने बताया, राजकोट पूर्व बताया और जसदान बताया जी, और बिल्कुल अब मतलब हिमाचल प्रदेश आ गया, एक और एक आ गया, बीजेपी चुराहा है कांग्रेस नूरपुर है, बीजेपी चुराहा कांग्रेस नूरपुर, ये दोनों हिमाचल प्रदेश के 1-1 है, और ये हम आपको बताना चाह रहे हैं जी हाँ बिल्कुल, बीजेपी 8 हो गई, बीजेपी 8 हो गई, और बीजेपी देखिए बीजेपी 8 हो गई है, मोरबी है, टनकारा है, राजकोट पूर्व है, जसदान है, जामनगर ग्रामीण है, जामनगर दक्षिण है और थराड़ है, मैं आपको दोबारा बता दूं 8 मोरबी टंकारा राजकोट पूर्व जसदान जामनगर ग्रामीण जामनगर दक्षिण और थराड़, अभिषेक जरा बताइए, और कांग्रेस के वाव और दाता है मोरबी टंकारा राजकोट पूर्व जसदान जामनगर ग्रामीण जामनगर दक्षिण और थराड़ जी बताइए, जामनगर ग्रामीण जो है वो जामनगर जिले का बाहरी इलाका है जी, और जामनगर दक्षिण जो आप बता रहे हैं वो तो वही सीट है जिसमें रविंद्र जडेजा थराड़, थराड़ के बारे में धर्म पत्नी है रीवाबा जडेजा वो लड़ रही है, थराड़ जो है बनासकांठा जिले में आता है उत्तर गुजरात में, वही ट्राइबल इलाका थोड़ा लगता है, मोरबी का ट्रेंड इंटरेस्टिंग है, पिछली बार गुजरात बीजेपी मोरबी हारी थी और इस बार अगर जीत रही है हादसे के बाद भी ट्रेंड जो इस वक्त दिख रहा है ये बहुत कुछ बताता है, मोरबी में कांग्रेस इसलिए जीती थी कि ब्रजेश मेर्जा वहां कांग्रेस के नेता थे, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, आपने कहा जामनगर ग्रामीण में बीजेपी आगे है जी, मगर हाँ तो ये दर्शकों को बता दे ये इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, इससे लगता है कि बीजेपी की जो वोट है वो सॉलिड हुई है, क्योंकि जामनगर ग्रामीण अभिषेक 2017 में कांग्रेस ने जीती थी, 2012 में भी ये कांग्रेस की सीट थी और बीजेपी ये 2007 में इसको जीती है, और मतलब ये स्विंग होते रहते हैं सीट, तो मुझे लग रहा है जो बीजेपी के जो अर्ली रुझान आए उससे क्लियर है कि बीजेपी के तरफ इस तरफ एक पॉजिटिव जो कहते हैं प्रो इनकम्बेंसी स्विंग आ जाए, बीजेपी की वोट पिछली बार से ज्यादा सॉलिड लग रही है, अगर आप जामनगर ग्रामीण की बात करें जहां पे बीजेपी के राघव जी जामनगर ग्रामीण नहीं है अभिषेक, जामनगर दक्षिण भी है, लेकिन अब बीजेपी हो गया है 10, कांग्रेस हो गया है 3, मांडवी भुज और राजकोट दक्षिण ये 3 सीट ऐड हुई है, मैं दोबारा 10 बता देता हूं, मोरबी टंकारा राजकोट पूर्व जसदान जामनगर ग्रामीण जामनगर दक्षिण थर्राड मांडवी भुज और राजकोट दक्षिण, ये वो 10 सीट ओवरऑल ट्रेंड बताइए आप गुजरात को अच्छी तरह से समझ मांडरा हो गया बीजेपी जी बताइए, भुज जो है कच्छ का इलाके लगते हैं दोनों सीटें, मांडवी जनरली कांग्रेस के पास जाती है पर अगर आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है दिख रहा है, बता रहे थे कि एक प्रो इनकम्बेंसी इतने साल सरकार में रहने के बाद और सातवां मैंडेट जो ले रही है भारतीय जनता पार्टी उसकी तरफ इशारा दिख रहा है, और नंबर्स मैं आपको बता दूं, नाम बता दूं फिर आप मेरे को बताइएगा, जेतपुर आ गया बीजेपी की तरफ, जामनगर उत्तर खंबालिया आ गया है, धानेरा आ गया है, दीसा आ गया है और चंसामा आ गया, खंबालिया बहुत बढ़िया आपने बात बताई, खंबालिया जो सीट है जाम खंबालिया वहां से आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है यशुदान गढ़वी वो लड़ रहे हैं, नहीं बिल्कुल, और इस समय और आ रहा है और एक और ऐड हो गया उसमें है चंसामा, लेकिन कांग्रेस की हाँ जी चनस्मा और एक उधर कांग्रेस की तरफ तीसरा हो गया रापर, कांग्रेस की तरफ हो गया रापर कच्छ में है, चनस्मा मेहसाणा में है जी जी, हिमाचल के 3 ट्रेंड्स बीजेपी के खाते में जा रहे हैं, 3 है चुराहा चंबा और डलहौजी और ये है बीजेपी की तरफ चुराहा चंबा और डलहौजी, गुजरात रहे ना सीटें बिल्कुल गुजरात में 15 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है इस वक्त रुझानों के मुताबिक, कांग्रेस के पास 6, आम आदमी पार्टी का रुझान भी 1 भरूच बीजेपी की तरफ जा रहा है, सी वोटर से जो पहला लीड आया है सी वोटर का जो पहला लीड है वो है अंकलेश्वर से, जहां पे ईश्वर सिंह ठाकुर भाई पटेल भारतीय जनता पार्टी के लीड कर रहे हैं, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे अभिषेक, और अंकलेश्वर जो है वहां पे पिरामन गांव है अहमद पटेल का, फिर भी वो सीट जाती है भारतीय जनता पार्टी के पास, वही मेरे को लगता है पैटर्न आ रहा है।
जी, तो 2017 में ये पटेल जी वहां से जीते थे और 30% का मार्जिन था वहां पे जी। तो ये तो बहुत मतलब हिस्टोरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग सीट है, बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग सीट है। दूसरा दक्षिण गुजरात होने के बाद दूसरा ट्रेंड आ गया भरूच से, डिस्ट्रिक्ट भरूच में जो वो पड़ता है जो आप अभी बता रहे थे अभिषेक, और वहीं पे जो अभी लेटेस्ट फिगर्स है 15 आ गए। मैं एक बार दोबारा बता दूं 15 पे गुजरात में 30 सीटों पर रुझान आ गए, 21 जी हां, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और वो 21 में से 16 हम आपको बता चुके हैं, और जो एड मैं उसमें कर रहा हूं उसमें है बट हिमाचल में इंटरेस्टिंग फाइट है। हिमाचल में इस समय मैं देख रहा हूं करीब 13 सीटों के। संगीत जी, इसका मतलब है कि ओल्ड पेंशन स्कीम वाली जो बात चल रही है वो चला है ना कांग्रेस के लिए, वो कांग्रेस के लिए हिमाचल में जो फौजी लोग थे या सरकारी कर्मचारी जी, जी, वो लगता है वो काम कर रहा है। हाँ, हो सकता जी। पर अभी बीजेपी 4 कांग्रेस 5, मैं आपको बता दूं वो जो 4 सीट है जहां जहां से आ रहा है बीजेपी के लिए, चुराह, चंबा, डलाउजी और सलाह। अभिषेक वो है मतलब हिमाचल प्रदेश, चुराह, चंबा, डलाउजी और सलाह। और कांग्रेस के लिए जो आ रहा है वो है नूरपुर और देहरा, और उसके अलावा फतेहपुर और ज्वालामुखी। नागरोटा से भी मेरे को बताया जा रहा है कि कांग्रेस आगे, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है गुजरात का। गुजरात के जो 21 है उसके अंदर जो मैंने लास्ट आपको बताए थे उसके अंदर वाधवान, अंजार, राजकोट ग्रामीण और वांकानेर आगे हो गया अभिषेक बीजेपी के लिए। राजकोट का हिस्सा है, 24 हो गया, 24 8 हो गया, ओरबी से जुड़ा हुआ हिस्सा है। और अगर आप वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो यानी वो इनिशियल ट्रेंड्स। आपने जो अभी तक सीट बताई है ऐश्वर्या, ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कच्छ, सौराष्ट्र की बताई है, जामनगर, राजकोट, मोरबी, कच्छ, इस सब पट्टे में दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ बनाए हुए है। ये और अच्छी खासतौर से बात ये कि ये पिछले बार के चुनाव में 2017 में सौराष्ट्र कच्छ में थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को सेटबैक रहा था कांग्रेस। जाम जोधपुर भी बीजेपी की तरफ जाता दिख रहा है, जामनगर का हिस्सा है, जाम जोधपुर, द्वारका, राजकोट, पालनपुर, राजकोट, जाम जोधपुर, द्वारका और पालनपुर उत्तर गुजरात में, पालनपुर उत्तर गुजरात में क्या ट्रेंड है उसमें ऐश्वर्य? वहाँ पे बीजेपी की तरफ देख रहा है भाई, हर्ष सांघवी आ गया माजुरा से हर्ष सांघवी आ गया, उनका बचपन से वहाँ बड़े हुए हैं और माजुरा से स्वाभाविक गुजरात के नारायणपुरा से बीजेपी के जितेंद्र भाई पटेल आगे दिखा रहे और गुजरात के नारायणपुरा से और उल्पाड़ से मुकेश भाई जीना भाई पटेल भारतीय जनता पार्टी के आगे है। वडोदरा शहर से मनीषा वकील जी आगे है, बहुत लीड जा रहे हैं, मेयर रह चुकी है मनीषा वकील, रिजर्व सीट है वडोदरा शहर की, मतलब जितने लीड जा रहे हैं बीजेपी की तो स्वीप हो रही है गुजरात में, बिल्कुल मतलब बहुत क्लियर स्वीप है। कारजान से अक्षय कुमार, ईश्वर भाई पटेल भारतीय जनता पार्टी के काफी आगे हैं। ये बड़ा दिलचस्प है अर्नब, क्योंकि करजन में रिबेल फैक्टर है, पादरा में रिबेल फैक्टर है, वागोड़िया में बरोड़ा की एक पूरा बेल्ट है जिसमें रिबेल फैक्टर है, उसके बाद जिग्नेश मेवानी इस वक्त वाडगाम से आगे हैं, कांग्रेस पार्टी के जिग्नेश मेवानी आगे हैं। बेजलपुर से अमित ठक्कर भारतीय जनता पार्टी के आगे हैं इस वक्त, अमित ठक्कर बिल्कुल जीतेंगे। सूरत पूर्व से अरविंद शांतिलाल राणा जी भारतीय जनता पार्टी के आगे हैं, मुश्किल सीट है वहां पे, आम आदमी पार्टी कुछ कॉन्टेस्ट दे सकती है। अभी खबर मिली है कि सयाजगंज से केयूर का नारायण दास रोकाड़िया जी भारतीय जनता पार्टी के काफी आगे हैं। वडोदरा के मेयर हैं केयूर रोकाड़िया, सिटिंग मेयर को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया है वहां की सीट। नारायणपुरा से जितेंद्र कुमार रमनलाल पटेल जी जो जीतू भगत, अमित शाह की सीट है ये, वो आगे हैं, अमित शाह की सीट है। नारायणपुरा से अमित शाह गृहमंत्री थे गुजरात के, तब वहां से एमएलए थे। और घटलोडिया से भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल आगे हैं भारतीय जनता पार्टी के, बिल्कुल। और अगर इसको अगर इसको एनालिसिस की जाए तो मुझे लग रहा है 150 पार करीब के नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि एक बात है जो आपको मानना पड़ेगा कि जो जिस सीट के बारे में आपने कहा स्ट्रॉन्ग सीट है, मगर वो जो शेड्यूल ट्राइब वोटर है, जो ट्राइबल वोटर है अंकलेश्वर के, वो बहुत ज्यादा है, मतलब 23% से ज्यादा है, यानी कि ट्राइबल वोटर इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ लीन कर रहे हैं। ट्राइबल वोटिंग बहुत भारी हुई है गुजरात का चुनाव में, इस बार वोटिंग 5%। अब बीजेपी आ गया हिमाचल में, बीजेपी आ गया सोहेल, हिमाचल में 11 सीटों के रुझान आ गए, 6 सीटों पर बीजेपी आगे है, 5 सीटों पर कांग्रेस आगे। जिस तरह से चल रहा है ये मुकाबला हिमाचल का, कभी बीजेपी आगे कभी कांग्रेस आगे, अगर आप देखें गुजरात में 42 सीटों पर रुझान आ गए, 33 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस। गुजरात का जो नजर आ रहा है एक लगभग 11 सीटों पर आ गए सुचारिता, हिमाचल के रुझान बिल्कुल 11 सीटों के रुझान है, 6 पर बीजेपी आगे है और ये 42 सीटें हमने 42 ट्रेंड्स बता दी ऐश्वर्या, 33 सीटें बीजेपी आगे है, कांग्रेस 8 पर है, ये इस वक्त के ट्रेंड्स और ये लगातार बढ़ रहे हैं। बीजेपी का खाता देखिए 33 तक पहुंच गया, मुझे नहीं लगता और वहां पे 33 पहुंच गया है। अभिषेक अगर आप वो 33 देखें तो मैं आपको बता रहा हूं
वहाँ पे मेरे को मतलब अंजार दिख रहा है, वहाँ पे मेरे को मुझे एक पैटर्न ऑलरेडी दिख रहा है ऐश्वर्या जी, बिल्कुल एक पैटर्न ऑलरेडी दिख रहा है। वो पैटर्न ये है कि सौराष्ट्र कच्छ जो एरिया जिसमें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, कांग्रेस पार्टी ने काफी कवर किया था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी सीट कांग्रेस से ले रही है। सीट को मैं एक मिनट भट्टी जी का कैमरा को दूर रखी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि आप लोग बीजेपी को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हिमाचल में, क्योंकि आप देखिए मुझे एनालिसिस बताइए, इंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के बाट कंस्टिट्यूएंसी में आगे हैं इस वक्त, है ना, संजय गुलेरिया जी जवाली से आगे हैं भारतीय जनता पार्टी के, अभी शिमला ग्रामीण से खबर मिली है कि रवि कुमार मेहता जी काफी आगे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और नारायण सिंह है वो श्री रेणुका जी से, वो भी भारतीय जनता पार्टी के आगे हैं, यानी कि जो इनिशियल रुझान मुझे मिल रहे हैं सी वोटर के रुझान जो भी हमें मिल रहे हैं और हमारे अपने डेटाबेस से, उसमें मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की लीड जो है वो कम दिखाई जा रही है। आप देखिए अगले 10 मिनट में ये नंबर आगे जरूर से नीलम नायक और भारतीय जनता पार्टी के 40 सीटों पर रुझान आगे है सुचरिता, मतलब क्लियर एंड ओपन लीड आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं, आम आदमी पार्टी इज नोवेयर इन द कॉन्टेस्ट इन गुजरात, नोवेयर इन द कॉन्टेस्ट इन गुजरात, मतलब आम आदमी पार्टी का जो एक्सपेक्टेशन था बिल्कुल सफाया हो रहा है गुजरात में। जीतने की बात कर रहे थे अभी, दो पर खुश हो रहे हैं, ये बड़ी चीज है जी, और ये भी अभी ट्रेंड है, आम आदमी पार्टी ही तो गायब है बीजेपी कांग्रेस के राजनीति में, वो तो 6% वाली सीट, 6% वाली पार्टी होगी जी, ये तो हम चलिए आगे चलते आगे आगे नंबर्स पे रही गुजरात, देखिए गुजरात में बीजेपी 47 हो गई है, 47 अभिषेक 47 हिमाचल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी लीड कर रहे हैं अपनी सीट से, सिराज से जयराम ठाकुर आगे जीतते आए अपनी वो सीट, और 2012 में भी चेचोट के नाम से जानी जाती थी सिराज सीट में, वो पिछले 5 विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, अब देखिए एक बार फिर लीड कर रहे हैं सिराज, और आम आदमी पार्टी शायद एंट्री कर रही है, कुछ गोंडल दिख रहा है, गोंडल की तरफ से है, लेकिन बीजेपी ने हाफ सेंचुरी लगा ली, गुजरात में बीजेपी ने हाफ सेंचुरी लगा ली है, 60-50 की तरफ रुझान आ गए, 50 पर बीजेपी आगे चल रही है इस वक्त, गुजरात में 15 पर कांग्रेस, 50 पे बीजेपी, कांग्रेस पे 15, 50 पे बीजेपी आगे है, कांग्रेस 15 पे आगे है, और आप देखिए साबरमती कांग्रेस की मुझे देखिए कांग्रेस की मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस चोटीला है, कालावाड़ है, देखिए रापड़ है, चोटीला है, कालावाड़ है जी, मैं बस लेटेस्ट अकोटा में चैतन्य मकरंद भाई देसाई भारतीय जनता पार्टी के अभी लीड है, मुझे बताना पड़ेगा बताइए, ये मकरंद देसाई के बेटे हैं, मकरंद देसाई वो नेता हैं जो जनसंघ के समय गुजरात में जनसंघ बिठाना और भारतीय जनता पार्टी की नींव बैठाने का काम उन्होंने किया था, मकरंद देसाई के नाम पे अमरेली से अभिषेक धनानी धीराज राज कांग्रेस के आगे हैं, अंकलेश्वर से बीजेपी के, बीजेपी आगे, भरोच से बीजेपी आगे जी, और नवाब कुछ मैं देखिए अमरेली की बात जो आपने कही जहां पे आपने कहा कि धीराजलाल धनानी जी परेश कुमार जी वो आगे हैं, जरा आप जरा दीपक भाई को ले आइए, वो समझा पाएंगे आपको, 2017 में उनकी मार्जिन ऑफ विक्ट्री 7% थी जी, हाँ तो इसको मानना पड़ेगा कि अगर देखिए इसकी एनालिसिस मैं स्टेट लेवल पे करता हूँ, अगर 7% मार्जिन वाले सीट में अभी अर्ली लीड कांग्रेस के साथ है तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है सुचरिता, इसका मतलब है कि जो दिल्ली वाले लुटियन मीडिया कह रहे थे कि कांग्रेस की सारी वोट शेयर केजरीवाल जी आ गए और केजरीवाल जी ले गए, ये बिल्कुल गलत है, केजरीवाल जी कांग्रेस को तोड़ नहीं पाए हैं, कम जरूर होगा मगर अगर अमरेली में इस बार कांग्रेस आगे है तो याद रखिए मैं जो कह रहा हूं कांग्रेस का सफाया गुजरात में नहीं हुआ है, और कांग्रेस सिर्फ अमरेली में नहीं अभिषेक, बोरसाड में भी आगे है, बोरसाड में परमार गुजरात, और मैं इस कारण कह रहा हूं क्योंकि वहां पे पाटीदार वोट की संख्या बहुत ज्यादा है, अमरेली पाटीदार वोट ही है सारा जी, वही बात है, ये परेश धनानी के बारे में बता दूं गुजरात में अपोजिशन लीडर रह चुके हैं, प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं, यंग लड़के हैं, और इन्होंने दिलीप संघानी जैसे व्यक्ति को हराया है, इन्होंने पुरुषोत्तम रूपाला को हराया है, तो ये बड़े क्या कहते हैं सौराष्ट्र कच्छ से हमें अमरेली से बहुत इंटरेस्टिंग रुझान, आप आगे रहिए मैं एनालिसिस करता हूं, कांग्रेस आगे है, कांति भाई काली भाई खराड़ी
अभिषेक कांग्रेस कांटा से डांटा से भी आगे है, दाता दाता से आदिवासी विस्तार है, गरबाड़ा से लीड है, गरबाड़ा से गरबाड़ा से गरबाड़ा दाहोद का आदिवासी विस्तार है, कांग्रेस कांग्रेस आगे है, कांग्रेस जामपुर खाड़िया से गरबाड़ा में शायद भारतीय जनता पार्टी को रिबेल फैक्टर से नुकसान होगा। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि कांग्रेस ये जो कह रहे थे ना, मतलब आम आदमी पार्टी महुआ महुआ से कांग्रेस आगे, डॉक्टर कलसारिया आगे, कनु कलसारिया ये रिबेल भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं 95 से लेके 2000 से, निजर से भारतीय जनता पार्टी का सुनील भाई गमित, सुनील भाई गमित निजर से कांग्रेस के आगे हैं, तो आम आदमी पार्टी तो कोई दिख नहीं। निजर आदिवासी विस्तार है, दक्षिण गुजरात में शायद कांग्रेस जीत जाएगी। पेटलाट से डॉक्टर परमार, पेटलाट सेंट्रल गुजरात में आनंद कांग्रेस आगे, दोबारा कांग्रेस दोबारा आगे, राजकोट वेट से कलारिया मनसुख भाई यादव भाई दोबारा कांग्रेस आगे, रुझान में 100 रुझान में 100 पार कर गया है, 107 के रुझान आ गए, बीजेपी 91 कांग्रेस 15 जो बात अर्नब कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी 1 वो जो हुआ था वो क्या हुआ, खड़ा किया गया, बनाया गया, कम से कम ये तो बहुत बड़ा मजाक लग रहा है अर्नब, सिर्फ एक पर आगे गुजरात में बीजेपी 150 पार है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सूरत जो आम आदमी पार्टी कह रही थी अर्नब, अब देखिए सूरत ईस्ट सूरत नॉर्थ सूरत वेस्ट तीनों बीजेपी, सूरत ईस्ट सूरत वेस्ट सूरत नॉर्थ तीनों बीजेपी, और ये सी वोटर के रुझान आ रहे हैं, सूरत ईस्ट से अरविंद शांतिलाल राणा अभिषेक, सूरत नॉर्थ से कांति भाई बल्लार, सूरत वेस्ट से पुरेश मोदी, तीनों बीजेपी के। ये खबर मैं जरा हिमाचल की एनालिसिस करता हूं, हिमाचल जहां पे हमें लीड्स मिली है, तो बाल श्री रेणुका जी कांगड़ा सिमरा शिमला ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी आगे, ज्वाली चिपल और चंबा में कांग्रेस आगे है, जो शिमला ग्रामीण है ये कॉन्टेस्ट को बहुत करीब से हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस पिछले इलेक्शंस में जीत रही है, और इस बार जो फाइट है शिमला रूरल की वो भारतीय जनता पार्टी के रवि कुमार मेहता और कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह, विक्रमादित्य सिंह के बीच है, वीरभद्र के बेटे हैं जी जी, मगर रुझान अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ है तो मैं ये नहीं मानता कि ये कांग्रेस की स्वीप है हिमाचल में, हिमाचल को करीब गुजरात में 100 पर पहुंच गई है, 100 पर 3 digits इस वक्त रुझान दिख रहे हैं, रुझान में बीजेपी 100 पर आगे चल रही है इस वक्त, बीजेपी की इतनी अर्ली ट्रेंड, ट्रेंड क्या देख रहे हैं दीपक भाई, 30 seconds में ट्रेंड बताइए, क्लियर कट जो एग्जिट पोल का जो ट्रेंड था वही ट्रेंड देखने को, क्या क्या ट्रेंड दिख रहा है आपको, बिल्कुल क्लियर क्लीन स्वीप है बीजेपी की गुजरात में, और खास करके एक बात नोटिस करनी पड़ेगी कि पोस्टल बैलेट के जो वोट्स होते हैं वो जनरली सरकारी कर्मचारियों के वोट्स होते हैं, पुलिस के वोट्स होते हैं, ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी की जो बात है, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है उसने क्या क्या प्रॉमिस नहीं किया, कांग्रेस ने बोला ओल्ड पेंशन स्कीम लगा देंगे, फिर भी ये जो पुलिस और सरकारी कर्मचारी के वोट्स भी बीजेपी को मिल रहे हैं, तो क्लियर कट है कि इंडिकेशन जो एग्जिट पोल बता रहा है उसी तरफ जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे कि देखिए सरकारी कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप है, इलेक्शन व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जीते जाते इतना तो समझना पड़ेगा, कम से कम इतना ही रहा। आम आदमी पार्टी निरंतर एक पर टिकी हुई है, बिल्कुल बीजेपी 100 यानी चुनाव जीतना था, बीजेपी 100 और आम आदमी पार्टी 1, बीजेपी अमरेली कांग्रेस अंकलाव कांग्रेस अंकलेश्वर बीजेपी बरदौली बीजेपी भरूच बीजेपी भावनगर ईस्ट बीजेपी भावनगर रूरल बीजेपी भावनगर वेस्ट बीजेपी बोरसाट कांग्रेस चंदसामा बीजेपी चौरसाई बीजेपी दागाम बीजेपी दानेलमड़ा जी डांटा कांग्रेस दसरोई बीजेपी डेडी पाड़ा आम आदमी पार्टी डेडिया पाड़ा जो है आम आदमी पार्टी चेतर भाई दामजी भाई वसावा, ये चेतर जो जाम वसावा है छोटू वसावा के छोटू वसावा जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है मुखिया है उसका इलेक्शन मैनेजमेंट करते थे, तो चेतन आम आदमी पार्टी में चले गए तो संभावना है देलिया पाड़ा, जो कैंपेनिंग हुआ था ना वो भी देखने लायक था, सब लोग ऐसा ही बोल रहे थे दीपक भाइयों ने कि देलिया पाड़ा में आम आदमी पार्टी आगे रहेगी, तो जो ट्रेंड मिल रहा है वो सही है, क्योंकि वहाँ पे 2-3 वसाओं के बीच टक्कर थी, वो साउथ चेतन वसावा का अनुभव है, आदिवासी बेल्ट है वो, दीपक भाई चेतन वसावा के पास अनुभव है 20 साल से छोटू वसावा का कैंपेन तो वही करते थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जो जो गारंटी हो गया अरे एक बार दीपक भाई डेडिया पाड़ा में ये भी आप कहिए कि सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट हुआ था, सही है, 82.7% पूरे गुजरात का सबसे ज्यादा, पूरे गुजरात का सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट वहां पे हुआ है, अमित शाह वहां पे 21 नवंबर को अमित शाह वहां पे गए थे, कई सारे उन्होंने कहा कि मैं ट्राइबल कम्युनिटी के लिए कई सारे अलॉटमेंट करूंगा, मैं 13 लाख एकड़ जमीन फॉरेस्ट राइट एक्ट में अलॉटमेंट करूंगा, तो वहां पे जो एक तरह से अमित शाह फैक्टर अमित शाह की स्ट्रेटेजी सामने आई। एक और खबर मैं बता दूं, मणिनगर जो प्रधानमंत्री की
कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जब वो गुजरात में थे, वहां से भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। मैं वडोदरा से जो आम आदमी पार्टी रीजन वाइज एनालिसिस इस वक्त सोहेल करेंगे। सोहेल गुजरात की रीजन वाइज एनालिसिस। सेंट्रल गुजरात से 19, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बीजेपी 107 सीट पर आगे चल रही है। गुजरात में कांग्रेस 25 और आम आदमी पार्टी टिकी हुई है, एक पर छोड़ने वाली नहीं है। आपको बता दें सेंट्रल यानी मध्य गुजरात से 19 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, नॉर्थ यानी उत्तरी गुजरात से 11 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, सौराष्ट्र से बीजेपी 9 सीट पर आगे चल रही है और दक्षिण गुजरात से 14 सीट से बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस 4 सीट से आगे चल रही है। इस बीच जो रीजन वाइज मैं आपको बता रहा हूं वो ये आंकड़ा है और बिल्कुल वहां से टर्न मारते हैं हिमाचल के प्रदेश। मुझे तो हिमाचल का जो रिजल्ट गोइंग डाउन टू द वायर बिल्कुल लग रहा है, बहुत क्लोज है, 11-10 बहुत क्लोज है सी वोटर के हिसाब से, 11 बहुत क्लोज है। सी वोटर कह रहा है 11-10, नहीं नहीं सी वोटर अब कह रहा है 11-11। हमारे नंबर क्या कह रहे हैं? हमारे वोटर कह रहा है 11-11, हम कह रहे हैं 16-15 यानी कि उसी तरह की क्लोज इलेक्शन है। सबसे बड़ी हेडलाइन इस वक्त की 8:25 हिमानी आप सुन लो, सबसे बड़ी हेडलाइन है हिमाचल और गुजरात में आम आदमी पार्टी का बिल्कुल सफाया। ये 6% पार्टी भी होगी कि नहीं मुझे नहीं पता, आप आगे चलिए। बिल्कुल 11-11 और आप ये देखिए, और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था हिमाचल प्रदेश में बल्ला कांग्रेस, भाटियाड़ बीजेपी, बिलासपुर कांग्रेस, चंबा कांग्रेस, और आप देखिए चोपल बीजेपी, धर्मपुर बीजेपी, ज्वालामुखी कांग्रेस, जावली कांग्रेस, जनगुटा बीजेपी, कांगड़ा बीजेपी, किन्नौर कांग्रेस, नाचन बीजेपी, नहान बीजेपी, नालगढ़ बीजेपी, पालमपुर कांग्रेस, पोटा साहब बीजेपी, रोहरू कांग्रेस, सारागढ़ बीजेपी, सब लोग रुक जी बिल्कुल बिलासपुर से ब्रेक लगाइए। ऐश्वर्या जी सामने आई, दीपक भाई सामने आइए, ये बताइए कि मुझे आम आदमी पार्टी का ट्रेंड मिला है। आम आदमी पार्टी गुजरात से जो रुझान मुझे आ रहे हैं, अल्पेश कठिड़िया आम आदमी पार्टी के वरच्चा रोड कंस्टिट्यूएंसी से आगे है। बड़ी खबर। तो इसकी एनालिसिस मुझे बताइए ऐश्वर्या, ये कंस्टिट्यूएंसी क्या है, ये किसकी कंस्टिट्यूएंसी ले जा रहे हैं? वरच्चा जो है वरच्चा रोड डायमंड हब है सूरत का। कहते हैं सूरत के बारे में कि दुनिया का 90% डायमंड वहां बनता है और सूरत का 90% डायमंड वराचा रोड पे बनता है। सौराष्ट्र के लोग हैं, पाटीदार मूवमेंट का गढ़ था, अल्पेश कठिड़िया उसके जनरल सेक्रेटरी, पाटीदार गढ़ है और लेवा पाटीदार का गढ़ है। हाँ लेवा पाटीदार, वहाँ पाटीदार में दो पाटीदार, अल्पेश कठिड़िया उसी समाज से, पाटीदार और लेवा पाटीदार, हार्दिक पटेल जो है वो लेवा पाटीदार, पाटीदार आंदोलन में अल्पेश कठिड़िया है। 10 साल की पार्टी के लिए बड़ी अचीवमेंट है। अल्पेश कठिड़िया जीते ना जीते लीड बन रही है, यानी कि वो अल्पेश कठिड़िया का पाटीदार फैक्टर 110 और 25 आम आदमी पार्टी तो ना 3 में ना 13 में दिख रही है मेरे को। लेकिन एक बात कहूंगा, गुजरात में जहां पे भारतीय जनता पार्टी को 50% वोट मिलती है, तो वहां पे कोई अगर मार्जिन अगर 10-11-12% हो तो मैं तो कहूंगा ये माइल्ड सीट है, मतलब की क्लोज सीट है। मतलब कि अगर हम दूसरे राज्यों में कहें तो कहेंगे कि 2% की गैप हो तो फिर कांटे की टक्कर है। मैं कहूंगा कि गुजरात में जहां पे 10-11% की का गैप है उसको मैं कहूंगा कांटे की टक्कर है, और ये सीट में जहां पे आम आदमी पार्टी आ गया वरच्चा में 11% का गैप था, यानी कि कांटे की टक्कर थी कांग्रेस पार्टी के साथ। जितनी कांटे की टक्कर हो सकती है गुजरात में उस मुताबिक कांटे की टक्कर थी, वहां पे आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है। यानी कि जहां पे कैंडिडेट स्ट्रांग है जी, वहां पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को नंबर मिले हैं जी बिल्कुल। कांग्रेस का भी यही कहानी है ना, पार्टी ने तो कैंपेन नहीं की है, लेकिन अभी आप देखिए नहीं, वहां पे आयुष मंत्री हैं, किशोर भाई कनानी, उनकी रीइलेक्शन है। मंत्री जी के इलेक्शन में अगर आम आदमी पार्टी आ गया अभिषेक सॉरी, फिर हम आम आदमी पार्टी को बिल्कुल नकारा नहीं कर सकते। नहीं, 10 साल की 2-3 सीट है अर्नब, उससे ज्यादा नहीं। आप 2-3 क्यों कह रहे हैं, बड़ी खबर है, तो हिस्टोरिकल सीट है, नहीं लगता आपको? आपको नहीं लगता? और अल्पेश कटारिया से दीपक भाई बिल्कुल अर्नब, उसमें ऐसा है कि जो अभी अपनी ये जो रुझान नंबर पे काफी स्ट्रॉन्ग है सूरत से, वराचा रोड से उसने काफी जो पाटीदार रजिस्ट्रेशन हुआ था उसका लीड लिया था। हार्दिक को लोग पहला चेहरा मानते थे, लेकिन बिहाइंड द कर्टन जो था वो अल्पेश कठिड़िया था। क्या हो रहा है? अल्पेश कठिड़िया था 120। एक मिनट, क्या आपको लग रहा है कि सबसे बड़ी जीत होगी बीजेपी की 120, यानी कि तो 120 पार हो चुके हैं ऑलरेडी?
एक और बड़ी खबर बता दूं, ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो गई है, पोस्टल बैलेट काउंटिंग। लेकिन हिमाचल प्रदेश से एक ऐसी खबर, बड़ी बात सर आगे सुनिएगा, बिलासपुर से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आते हैं और बिलासपुर वाले से बोम्बा ठाकुर कांग्रेस के आगे हैं। कौन बीजेपी में जो हिमाचल प्रदेश में जो इनफाइटिंग निकल के आ रही है वो दिख रहा है, आप हंसिए मत। बिलासपुर से कांग्रेस बोम्बा ठाकुर अभी आगे देखते हैं। रवि जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा आगे चल रही है घाट लुढ़िया से, जामनगर से, और बीजेपी ये सीट इससे पहले 40,000 वोट से जीती थी जी। मैं चाहता हूं कि सुहेल आप सी वोटर के हिसाब से, सी वोटर के हिसाब से 17-19 हो गया है, कांग्रेस 19 हो गई है हिमाचल प्रदेश में, बीजेपी 17 है, ये सी वोटर है। हमारे जो नंबर्स हैं उसमें अभी हमारे पास जो लेटेस्ट आ रहा है उसमें अभी मेरे पास जो लेटेस्ट खबर है, सी वोटर कह रही है कि कांग्रेस 25 है, बीजेपी 20 है, कांग्रेस की लीड हो चुकी है हिमाचल में। हमारे नंबर शायद थोड़े से 27 और 22 हो गया, कांग्रेस 27, बीजेपी 22 बढ़ती जा रही है। शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला जो है वो अपने वायर से आगे चल रहे हैं, हर शांगवी माजुरा से आगे चल रहे हैं, रिवाबा जडेजा जामनगर नॉर्थ से आगे चल रही है, भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री है वो घाट लोडिया से आगे चल रहे हैं।